Bueno. नमस्कार, साहित्य अकादमी की ओर से आज होने वाली वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथिली भाषा में परिसंवाद कार्यक्रम। इस परिसंवाद का विषय है मीडिया और साहित्य, यानी मीडिया आ साहित्य। इस कार्यक्रम के लिए साहित्य अकादमी की आमंत्रण स्वीकृत करते हुए हमारे बीच में मौजूद है उद्घाटन सत्र के लिए अध्यक्षता के लिए परमादरणीय उदय चंद्र झा विनोद जी, विषय प्रवर्तन के लिए आदरणीय साहित्य अकादमी की मैथिली भाषा परामर्श मंडल के संयोजक आदरणीय अशोक कुमार झा अचल जी, और बीज भाषण के लिए आदरणीय प्रख्यात पत्रकार अजीत आजाद जी, और आलेख सत्र की प्रस्तुति की सत्र में अध्यक्षता के लिए उपस्थित है प्रख्यात मैथिली लेखिका विभा रानी जी, और आलेख के पाठ करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है विनीत उत्पल जी, सच्चिदानंद सचू जी और रूपेश जी। सबसे पहले स्वागत भाषण साहित्य अकादमी की परमादरणीय सचिव महोदय डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी की कार्य व्यस्तता अनुपस्थिति कारण मैं आज स्वागत भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा हम लोग पता है आज का विषय है मीडिया और साहित्य। इस विषय पर बात करते हुए हमें यह देखना होगा कि इन दोनों विधाओं का उद्देश्य क्या है। हम अक्सर कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेखक समाज में होने वाली घटनाओं को एक नजर से देखता है और उसके जवाब में साहित्य का सृजन करता है। विभिन्न युगों और उनकी शैलियों का साहित्य उस समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रतिबिंब है। मूल रूप से साहित्य का उद्देश्य लोगों की आवाज बनाना और समकालीन युग में उनकी नेतृत्व कराना। एक लेखक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिवर्तनों के प्रभावों के बिना रचना नहीं कर सकता है। हमारा शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य आमतौर पर धार्मिक रहा है। पश्चिम में आधुनिकता का दौर बेशक पुनर्जागरण के दौरान शुरू हुआ, लेकिन भारत में आधुनिकता की शुरुआत अंग्रेजी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ हुई। इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि यह इस अवधि के दौरान था कि हमारा साहित्य पश्चिम विचारधाराओं से प्रभावित था, जिसके साथ हमारा साहित्य लोगों के सीधे संपर्क में आया और विषयों और जानर्स में विविधता आई। दूसरी ओर मीडिया का जन्म आधुनिक समय की उपलब्धि कहा जाता है। मीडिया जो प्रिंट से शुरू हुआ, रेडियो और टीवी पर प्रसारित हुआ, इसके अलावा लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर शासन किया है। इंटरनेट के आविष्कार ने इसे सोशल साइट के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और आज यह फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और कई अन्य प्लेटफॉर्म में माध्यम से दुनिया भर में लेकर गया। खासकर इस महामारी के दौरान सोशल मीडिया मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। चाहे मरीज को डॉक्टर देखना हो, ऑनलाइन अध्ययन करना हो, या हमारा आज का कार्यक्रम हो, यह सब केवल सोशल मीडिया की बदौलत संभव हुआ है। हालांकि न्यू मीडिया पोस्ट मॉडर्निटी के चरण में चल रहा है। प्रारंभ में इनका एकमात्र देश लोगों के जानकारी प्रदान करना था, लेकिन धीरे धीरे इनके सामंती शक्तियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस में हुई क्रांतिकारी परिवर्तनों में समाचार पत्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उस समय के महान लेखकों जैसे
रूसो, वोल्टियर, जॉन विक्सन आदि ने लोगों की सामंती शक्तियों के खिलाफ जिहाद को तीव्र करने की बड़ी भूमिका निभाई थी। मीडिया की शक्ति का अंदाज इस बात से लगाया जाता है सकता है कि थॉमस पेन द्वारा एक पॉम्पलेट ने अमेरिका क्रांति के दौरान देश भर में हलचल मचा दी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लेखकों और मीडिया की भूमिका कोई गुप्त नहीं है। लेकिन क्या आधुनिक समय में साहित्य और मीडिया अपनी भूमिका ठीक से निभा रही है, या साहित्य और मीडिया के बीच क्या संबंध है? आज के परिसंवाद में इस पर परिचर्चा हो जाएगी। वैश्वीकरण के युग ने ऐसा उपभोक्तावादी समाज का निर्माण किया है कि आज साहित्य और अन्य ललित कला भी वस्तु बन गई। हमारे लेखकों और कलाकारों को यह सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि कला के उनके काम केवल तभी बचेंगे यदि उन्हें खरीदा जा या बेचा जा सकता है। इसलिए साहित्य के से मानव भावनाओं को, भावनाओं, अभिव्यक्त और रचनात्मकता को मिटाने के गंभीर प्रयास किया जा रहा है। खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर इस प्रक्रिया में एक उपकरण के रूप में मीडिया का उपयोग कर शुरू किया है, और जो कि जनसंपर्क उद्योग के माध्यम से मानव भावनाओं को बेचने में भी सक्षम है। वैश्वीकरण हमें मीडिया वाहक के माध्यम से कई विकल्प प्रदान कर रहा है, लेकिन ये विकल्प केवल वही है जो उपभोक्ता प्रणाली का हिस्सा हो सकता है। इन शब्द समूहों के साथ मुझे आशा है कि इस परिसंवाद में भाग लेने वाली सभी विद्वान आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर चर्चा करेंगे जो समाज को एक नई दिशा दे। अब हम देखेंगे इस परिसंवाद में विषय परिवर्तन प्रवर्तन के लिए हमारे बीच में उपस्थित है परमादरणीय साहित्य अकादमी की मैथिली भाषा परामर्श मंडल की संयोजक अशोक अवचल जी। दर्शकों, आप सभी जानता है कि अशोक अवचल जी मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला इत्यादि भाषा जानते हैं। आपने अभी तक 20 से अधिक किताब लिख चुके हैं। अब बिरला फाउंडेशन का मैथिली भाषा समिति का सदस्य के रूप में रह चुके हैं। आपकी साहित्य व्यवसाय को देखकर कतिपय साहित्य संस्था ने अपनी पुरस्कारों से सम्मानित किया है, उनमें से विदूषक सम्मान, साहित्य सेवी सम्मान, भाषा रत्न सम्मान, मिथिला विभूति सम्मान इत्यादि शामिल है। अब मैं अनुरोध करता हूं, सांप्रतम आप प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी की मैथिली भाषा परामर्श के संयोजक रूप में अपने मातृभाषा सेवा कर रहा है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी विषय पर प्रवर्तन प्रस्तुत करें। आदरणीय अशोक अवचल जी। हेलो, आवाज जा रही है? आ रही, आ रही, आ रही। परम आदरणीय आजुक परिसंवादक अध्यक्ष मैथिली मूर्धन्य साहित्यकार अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय उदय चंद्र झा विनोद जी, बीज भाषणक लेल उपस्थित मैथिली जानल मानल साहित्यकार आ प्रकाशक मित्र अजीत आजाद जी, सुरेश बाबू उप सचिव साहित्य अकादमी, अगला सत्रक लेल जुड़ल अध्यक्षता लेल मुंबई से विभारणी जी,
रूपेश सज्जानंद सच्चू जी आजुक परिसंवादक जे विषय है अजय वर्तमान परिदृश्य दुनू के समेटबाक प्रयासक क्रम में क्योंकि जे समय छे अखन एक साल लग बाद जे उम्मीद बांधल गेल छल जे अप्रैल से ऑफलाइन हम सब जुट सकब परिस्थिति आर विकट भ गेला कारणे और कोनो उपाय रह नहीं गेले एहन समय में साहित्यक काज आर बेसी बढ़ जाय छे जे केओ साहित्यकार छथि या साहित्यिक प्रबंधन से जुड़ल छथि हुनक काज आर बेसी बढ़ गेलनि जे वर्तमान परिदृश्य में जे सामाजिक मनोदशा विकसित भ रहल छे तकरा कोन रूपे संभारल जाय तो मीडिया अपन काज कर रहल छे साहित्य अपन काज कर रहल छे आइ हमरा लोकनिक परिचर्चा के विषय अछि मीडिया आ साहित्य मीडिया कोन रूपे साहित्य के प्रभावित करे छे साहित्य कोन रूपे मीडिया के प्रभावित करे छे दुनू एक दूसरा के संगोर को कोना समाजक लेल नवाचारक परिकल्पना के आगू आने छे कोन कोन रूपे वो सोचे छे क्या तो कहल जाय छे जे मीडिया आ साहित्य ओना जहन मैथिली के संदर्भ में हम सब गप करे छी त कने संदर्भ अलग हेतै कि हमरा बुझने कतौ भी कतौ मैथिली साहित्य के जे संस्कृत उत्स छे ताहि कारणे मीडिया के जे वर्तमान परिदृश्य वैश्विक स्तर पर छे ताहिसँ मैथिली में कने भिन्न छे जब जन मैथिली मीडिया गप करबै त संदर्भ अलग भ जाय छे वैश्विक मीडिया गप करबै त संदर्भ अलग भ जाय छे क्या तो वास्तविक अर्थ में मीडिया मैथिली में एकटा कोनो व्यावसायिक स्वरूप अखन तक ग्रहण नहीं कर सकले और व्यावसायिक ई एकटा यथार्थ छे आ जहन हम संस्कृत साहित्य दिस देखै छियै कि देखबै प्रारंभिक जतेक हमर रचनाकार छथि या मैथिली साहित्यक जे सृजन छै ओ संस्कृतक संगे संग होइत रहले जौं विद्यापति देशील वैना कऽ कऽ पदावली लिखै छथि तऽ सबटा ग्रंथ संस्कृत में लिख रहल छथि ओ अवहट में लिख रहल छथि तो जहन संस्कृत पत्रकारिता देखबै या मैथिली पत्रकारिता देखबै या एकरा दुनू के तुलनात्मक अध्ययन करबै तो बुझा जायत जे जहिना वर्तमान पत्रकारिता के जे कंसेप्ट छै अवधारणा छै ओ संस्कृतक साहित्य के मीडिया के अवधारणा से फराक छै आ मैथिली पत्रकारिता आ मैथिली साहित्य एकरा दुनू के एक दोसर से अलग करब कठिन छै जे कि आनठाम ई सहज आनठाम बहस होइ छै जे मीडिया के भाषा की छै साहित्यक भाषा की छै आ मैथिली में तो पत्रकारिता के प्रारंभे साहित्य के केंद्र में राखि के प्रारंभ ओहि में अलग छै कि नहीं किया तो 1901 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री जी मैथिली में पत्र पत्रकार के सुरसार कलन उधर नहीं निकल सक तो 1905 में मैथिली साधन वो निकल ले जयपुर से उत से देखे तो साहित्यिक यात्रा के हम सब समीक्षा करे छे ओ वही मीडिया से साहित्यक जे लिखे के तरीका छे वर्तनी छे ओकर निर्धारणक स्वरूप सब मैथिली में तय हो चल गेले या एकटा स्वरूप जे से लेल के एखनो हम सब बहस करे छी जे मिथिला मिहिरक वर्तनी के मानल जाय आ कि मुरलीधर झा जी वाला वर्तनी के मानल जाय मतलब मीडिया साहित्यक स्वरूपक निर्धारण करबा में एकटा महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाहन केलके अछि मैथिलियो में आनठाम नहि आनठाम ई मीडिया आ साहित्यक भाषा दुनू के तनाव चल रहल छै ओ बढ़िया जगह चूंकि मैथिली में पत्रकारिता के जे विकास छै आ किछ जे प्रयासो भेलै आधुनिक मीडिया के अनुरूप ओ ओकरा हम कह सकै छी जे ओहिमे हम सब सफल नहि रहलौं ओकर कारण जे रहे व्यावसायिकता के व्यावसायिक दृष्टिकोणक अभाव व्यावसायिक प्रति रुझानक अभाव या सम्मोहित जे परिदृश्य छे मीडिया के चलबै के चलेबाक जे किछ रहे ओ बीज भाषण में एकर अनुभव बड बेसी छनि अजीत जी के जे मैथिली दैनिक पूरा प्रबंधन करक प्रयास केने छला
थोड़े दिन तक, तो वो परिस्थिति पर वो बीच भाषण में चर्चा करता। विनोद जी छथि, बहुत दीर्घ अनुभव छथि अध्यक्षता में अपन चर्च हेतु। हमर तो काज अछि जे एकर जे विविध डाढ़ि भ सकै छै जे पर आगा सेमिनार चलते तकरा कने समक्ष आनि देनाइ, जे एकटा गाछ मीडिया साहित्य की अथी होइ, किया तो मैथिली मीडिया के जना विस्तृत स्तर पर आगा देखबै तो मीडिया आ लिटरेचर एहि विषय पर प्रतिष्ठा स्तर तक के पढ़ाई होइ छै, कोर्स होइ छै कैटा विदेशी विश्वविद्यालय में मीडिया आ इंग्लिश लिटरेचर, मीडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एहि विषय पर त्रिवर्षीय 3 सालक कोर्स सब छे, प्रतिष्ठा के कोर्स सब छे, जेमे पढ़ाल जाय छे जहां जे लिटरेचर के मीडिया में कना उपयोग करो, या तो मीडिया का अपना भीतर विश्लेषण क्षमता विकसित करवाक है, जो अहां के अपना भीतर सृजनात्मक क्षमता विकसित करवाक है, ओकरा एकटा समवेत दिशा प्रदान करक है, तो निश्चित रूप से साहित्य के आवश्यकता है, साहित्यिक विचारधारा के आवश्यकता है। जो अहां साहित्यिक रूप से प्रशिक्षित नहीं छी तो सफल मीडिया कर्मी भेनाइ सेहो कठिन छै, तो ओ आवश्यक छै, किया तऽ अहाँके भाषा केना हेतै, भाषा के विश्लेषण क्षमता केना हेतै, अनुमान क्या केना कोना करबै, किया तऽ साहित्यकारक लेल ई बात बड़ बेसी स्पष्ट छै जे जहन पूरा दुनिया सुविधा देखै छै तहन साहित्यकार सुविधा से उत्पन्न होइ वाला भविष्यक असुविधा दिस अपन ध्यान दै छथिन, यानी कोनो समाचारक भी मध्य जे समाचार रहै छै तकरा पढ़नाय आ बुझनाय ई बिना साहित्यिक प्रशिक्षण से संभव नहीं छे। जो अहां साहित्यक तीत मीट से अवगत नहीं छी, साहित्यक गुणधर्म से अवगत नहीं छी, साहित्यक जे मुख्य धारा छे या ओकर जे मूलभूत सिद्धांत छे तै में अपने प्रशिक्षित नहीं छी, तो अहां के स्वतंत्र चिंतन धारा के विकसित होयब कठिन छे, ओय में समय लगे छे। ई आवश्यक नहीं छे जे ओय ले डिग्रीए हुआ, मगर पठन पाठन अध्ययन अध्यापन जो मतलब साहित्यिक साहित्यक प्रति जो अभिरुचि रहत वो एक लेल प्रशिक्षित करै छै, मीडिया ऐसे से हो प्रभावित होते है, क्या मीडिया के टर्म देख जो इंग्लिश मीडिया के देखबे अलग व्यवस्था छै, हिंदी मीडिया के देखबे अलग व्यवस्था छै, एखनो मानल जाय छै जे अंग्रेजी मीडिया चूंकि उत्सव ओतय से छै, आधुनिक मीडिया के जे हमसब चर्च करै छी तऽ निश्चित रूप से आधुनिक मीडिया पाश्चात्य उन्मेष छियै, ई तऽ मानै पड़त। ओतय एखन तक जतेक श्लेष भाषा के प्रयोग इंग्लिश मीडिया करै छै ओतने तऽ हिंदी मीडिया करै छै, आ मैथिली मीडिया के तऽ हम एहि दुआरे गप नहि करब जे अखन तक हमर एकटा नीक चैनल तक नहि अछि जतय 24 घंटा कोनो चीज प्रसारण होय जे ओकर समूहित अध्ययन कऽ सकी, जेना किछु पहिने चलै छल सौभाग्य मिथिला, अखनो एकटा चैनल गीत नादक देखै छियै कतौ कतौ रहै छै, तो समूहित विश्लेषणक लेल एहि संबंध में आधुनिक जे मीडिया के स्वरूप छै जे टेलीविजनक माध्यम से आन माध्यम से एकर तुलनात्मक विवरणक लेल हमरा बुझने उपादानक अभाव छै। आगा सोशल मीडिया छै ओकर छै, जेना देखबै आश्चर्य लागत तो सब जे शब्द यूज करै छै अंग्रेजी मीडियम मीडिया सब क्रिटिकल थिंकर लिटरेचर स्कॉलर ई सब मतलब अलग अलग, तो अहाँ के लिखबाक क्षमता, निर्णय लेबाक क्षमता, विश्लेषण करक क्षमता, प्रशासनिक प्रासंगिक विषय के चयन आ प्रासंगिकता के निर्धारण, आ फिर ओ क्या प्रासंगिक छै तकरा स्पष्ट रूप से जनता तक पहुँचेबाक प्रयास, ई सब क्षमता के विकास के लेल आवश्यक छै। अहाँ के शब्द पर पकड़ हो, शब्द तो ब्रह्म तो छै, मुदा शब्द संगे जहन अहाँ के शब्द संगे साहित्यकार सेहो खेलाइ छथि आ सब मीडिया कर्मी सेहो खेलाइ छथि, मुदा दुनू खेलक धारा अलग अलग होइ छै, तो ओकरा चिन्हब जानब एहि सबक लेल मीडिया आ साहित्यक जे समन्वय छै ओ आवश्यक छै। साहित्य कोन रूपे मीडिया के एकटा दिशा देतै, किया तऽ मीडिया जे छै से नवाचारक प्रयोग करैत रहै छै, तैं खिचड़ भाषा वर्णशंकर भाषा के प्रयोग सेहो करै छै, ओकरा ओ सहजता के नाम पर जो लोक तक केना पहुँचतै, किया तऽ सम्प्रेषणीयता एकटा बड़का माध्यम छै साहित्यिक भाषा, तैं देखबै साहित्यो में सुधार लगातार निरंतर होइत रहै छै जे कोना हम भाषा के प्रवाह पर भाषा में जे प्रचलित शब्द छै तकरा कते बेसी से बेसी प्रयोग कऽ कऽ अपन जे सम्प्रेषणीयता छै ओकरा बढ़ेबै, यानी साहित्यिक सम्प्रेषणीयता, आ मीडिया तऽ संपूर्ण सम्प्रेषणीयता पर चलै छै, किया तऽ मीडिया में समीक्षा के समीक्षक दिक्कत छै, साहित्य में तऽ लेखक के बाद समीक्षकक सेहो अवधारणा छै, जे साहित्यकार लिखलनि ओकरा बुझबाक लेल
व्याख्याता व्याख्याकर्ता समीक्षक समीक्षाकर्ता समालोचक मतलब अलग अलग व्यवस्था है मुदा मीडिया में समाचार डायरेक्ट समीक्षा भ रहा है कोनो घटना मुदा एक चीज है जे कोनो घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर सामाजिक स्तर पर घटित हो मीडिया और साहित्य दुनू अपन उपादान ओत से ग्रहण करे एखन जो अहाँ देखबे तो दृश्य मीडिया साहित्यों को ओतबे प्रभावित कर रहा है किए तो जे चीज बेसी वायरल भेल वही पर देखबे बेसी कविता भेटत अखन सोशल मीडिया पर जते देखबे तो एक 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 भागा जका बुझा वो लीक से हट के कम बुझा तो साहित्यक जे आप जे चीज निर्धारित भेले वायरल भेले आ वही पर सब गोटे लिख रहा है सबक दिशा एक ही है चाहे वो कविता आव संस्मरण आव या कोनो आन चीज आव वो सब अबैत रहे तो एक पैघ प्रसंग है एक पहलुका मीडिया जना एक हिंदी के एक पैघ उदाहरण है जे कतेक बेसी काज होइ छलै सोशल मीडिया पर जना आइ काल्हि कच्चा माल जे लिखलहुँ से तुरंत पोस्ट कऽ दै छी ओकर समीक्षा के आवश्यकता लोग नहि बुझै जे रोज देखा ली पहिने एकटा पत्रिका में पठबै पठायल किछु जाइ छलै लोग दू गोटे से देखबै छलै ओकरा संपादक देखै छलखिन छब्बा योग्य छै कि नहि छै कि सुधार छै कि नहि छै एखन तऽ जे लिखलहुँ से सोझे पोस्ट होइ छै तऽ कहि सकै छियै एकरा जे सोझे सोझा सोझी संवाद भऽ रहल छै एकर सकारात्मक नकारात्मक दू पक्ष छै नहि तऽ सिर्फ नकारात्मक छै आ सम्पूर्ण सकारात्मक छै जे हमरा बुझायल से परसि देलहुँ आब ओकरा प्रश्नहार ओकर जे तीत मीठ छै ओकर करू छै कि नुनगर छै से आब अहाँ देखियौ ओकर जे इम्पैक्ट हेतै प्रभाव हेतै एहि पर बेसी विश्लेषण नहि छै महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित एकटा खिस्सा छनि जे एकटा छलै केओ पठेलखिन लिखेल ओकर शीर्षक छलै काबुल में गधे भी मिलते हैं उनका शीर्षक नकारात्मक लगल उस शीर्षक को बदल दिलखिन काबुल में सब घोड़े नहीं मिलते काबुल में गधे भी मिलते हैं उस शीर्षक का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बदल के छपलखिन जे काबुल में सब घोड़े नहीं मिलते जना अखन कनिकाल पहने चर्चा हम सब चले छलो या छे साहित्य मीडिया संप्रेषण जे सुरेश बाबू पूछलन जे ठीक छी ना हम कहलियन बृहत परिवार जे छे से दुखी है मैथिली साहित्यक लेल एना एना है अजीत भाई तुरते ओकरा मोड़ के कहलखिन ने जी जे जीवे छथि तिनका बोले संसार चले छे या छे संप्रेषणीयता जे एक दिस पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट जे अहाँ निराशावादी आशावादी अहाँ अन्हार छै मुदा दीप जरेनाय साहित्य काज होइ छै हूबहु परोस देनाय वह साहित्य नहीं छै अखन कनी दिन पहिने हम पढ़ रहल छलहुँ जना अखन अपना सभक मीडिया छै ओ कतौ लाश जरि रहल छै ओकर फोटो देखबै छै के हॉस्पिटल में कानि रहल छै तकर फोटो देखबै छै ओ चित्र देखबै छै मुदा कनी दिन पहिने मीडिया पर एकटा रिपोर्ट देखै छलियै टेलीविजन पर जे पश्चिम में जे 1911 भेलै ओमे के मरले कतौ मरले कोन हॉस्पिटल में इलाज भेलै कतौ ओकर संस्कार भेलै एकटा फोटो नहि एलै कोरोना में सबसे बेसी जे अमेरिका ब्राजील की इंग्लैंड की फ्रांस में लोग मरले ओ मीडिया पर ओकर एकोटा चित्र नहीं एलै जे कतौ जरायल गेलै कतौ राखल गेलै गनल चुनल कतौ कतौ कोनो सुरंग में कतौ किछ एलै ओ नहि एलै जे कतौ केना लोग इलाज ला भटक रहल छै कतौ ओकरा कोनो सुविधा नहि भेट पाबि रहल छै क्या एते लोग मरि रहल छै मुदा अपन मीडिया जे छै एतुका ओ सब चीज हम सब देख रहल छी आ ओ चीज आ ओकर प्रभाव साहित्य पर कते पड़े छै ओकरा देख के साहित्यकार ओहिसँ कते ग्रहण करै छथि आ कते निकलै छथि तऽ आब दीप जरेबाक छै कि अन्हारक चर्चा करब ई साहित्य आ मीडिया गप छै अन्हार तऽ छै मुदा दीप जराय के काज करबै यही उम्मीद मे जे ई अन्हार मटेतै बहुत गोटे दीप जरेता आ बेसी दीप जरासँ जे प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हेतै ताहिसँ एकटा नव वातावरणक निर्माण हेतै जे दिस अजीत जी अनौपचारिक वार्ता में अखन गप कऽ रहल छलाह तो साहित्यो के दोनों प्रसंग छै मीडियो के दोनों प्रसंग छै मैथिली मीडिया के जहां तक सवाल छै 1905 से लेकर अखन तक देखबे तो मैथिली साहित्यक रथ के तऽ मीडिये चलबैत रहल अछि ओकर प्रक्षालन मीडिये के माध्यम से होइत रहल अछि या तऽ जँ मैथिली मीडिया के हम साहित्यिक मीडिया कहिए तो कोनो हमरा लगैए बड़ बेसी अप्रासंगिक नहीं हेते किए तखन समाचार मूलक मीडिया के तखनो प्रतीक्षा छै समाचार आ समाचारक विश्लेषण आ दैनन्दिन ओकर व्याख्या ओकर सुव्यवस्थित स्वरूपक एखनो प्रतीक्षा छै छिटपुट प्रयास चल रहल छै होइत रहलै अछि होइत रहते
मुदा कतबा समय आ समाज में सहयोग करते ई सब एक प्रश्न देखल जते क्या वर्ण क्या मुदा सबसे पैघ गप जे छे मैथिली साहित्य में वर्तनी निर्धारण आ वर्तनी विवाद ई दुनू मीडिया के ठार कैल छे साहित्यिक मीडिया क्या तो एखनो हम सब कहै छी हुनकर शैली मानव कि हुनकर शैली तो दूटा शैली भेले जो एकटा शैली ओइ काल में निर्धारण भेले या जे किछ प्रारंभ भेले ओकरा जो बदलबाक छले नवका पत्रिका के निर्माण में जो विशेषज्ञ टीम मिलकर समूहित रूप से एकटा शैली निर्धारण करतथिन ई समस्या नहीं रहते अखनो हम सब विवाद में छी ओना साहित्य अकादमी तो एकटा वर्तनी के स्वीकार कऽ चुकल अछि जकरा ओ अनुकरण करैत अछि मुदा अखनो हमर विविध प्रकाशक आ विविध लेखक क्यों सटा कर तो क्यों हटा कर क्यों मतलब संजोगात्मक के वियोगात्मक अखनो हम सब ओहि परिचर्चा में लागल छी अहू के लेल हमरा लगे मीडिया में एक समवेत दृष्टिकोणक आवश्यकता छे अखन एमे जते गोटे जुड़ल छी कतौ ने कतौ मीडिया से जुड़ल लोक छी हम एमे अजीत भाई से संपर्क लऽ कऽ सलाह लऽ कऽ जे मतलब के सब एहि मामला में उपयुक्त व्यक्ति भऽ सकै छथि साहित्यिक मीडिया तिनका सबके आइ जुटौलहुँ अछि जे एकर जे विविध पक्ष छै ताहि पर समवेत विमर्श भऽ सकल आ जँ विस्तृत आलेख भेटतै विस्तृत आलेख जँ हम चर्चा कऽ रहल छी तऽ ओहिसँ हमर अर्थ ओकर अर्थ ई हमर ई अछि जे विस्तृत आलेख चूंकि मात्र 8 आलेखक एहिमे गुंजाइश बचै छै 3, 2, 5, 3, 8 आलेखक मात्र गुंजाइश बचै छै तऽ 8 आलेख मिलाकर जँ 100 पेज भऽ सकतै तऽ हम प्रयास करबै जे साहित्य अकादमी से ही मीडिया साहित्य पर जो है से पोथी प्रकाशित भ जाए क्या परिसंवादक पोथी है से प्राय प्रकाशित नहीं हुई मुदा अखन जो है से ओकरा प्रकाशित करबाक योजना हम सब बनेलहुँ अछि पछला एक परिसंवादक श्रृंखला के प्रकाशन भ रहल छै जे प्रकाशनाधीन छै क्या एकैटा विषय पर 5 परिसंवाद कऽ कर एक संगे प्रकाशन भेलै मुदा जँ 100 पेज के कम से कम आलेख अबै छै 8 आलेख में 100 पेजक तो साहित्य अकादमी के छपा में चूंकि विषय महत्वपूर्ण है आ साहित्य के लिए एक उपाध्यायता है तो हमरा लगे साहित्य अकादमी के एमे कोनो दिक्कत नहीं हेतै आ सेक्रेटरी साहब एमे बड़ा सकारात्मक छथि राव साहब इससे पहिनो जना क्या तो वह उपलब्धियों छै साहित्य के हमर जे परिसंवाद भेल या संगोष्ठी भेल अकादमी द्वारा जँ प्रकाशित हेतै तो बेसी से बेसी पाठक लग पहुँचतै तो जँ देखबै पहिने एक सूत्रवाक्य हम कहलहुँ क्या बेसी विस्तृत हमरा करबाक नहि अछि पलवन करबक जिनका जिम्मा छनि से करता मुदा चाहे मैथिली कविता हो चाहे मैथिली उपन्यास हो सबसे बेसी धारावाहिक रूपे जो उपन्यास सब आए थे प्रकाशित है धारावाहिक रूपे जतेक मिथिला मिहिर में प्रकाशित भेले या आन सब पत्र पत्रिका में प्रकाशित भेले ओ वह मैथिली के साहित्यक सब विधा के आगा से समृद्ध करित गेल प्रयास बहुत गोटे करित गेला मीडिया के नव नव स्वरूप देबाक जना के मिथिला दर्शन प्रकाशित होइ छै आर्थिक एक राजनीतिक समाचार समाज मतलब सब प्रकार विषय के समावेश करबाक प्रयास हो जमशेदपुर से हमू जन झारखंडक सनेश आ कचोट निकाललो अखन दुनू बंद छे संस्कृति टा चले छे ओकरो दू अंक नहीं अलै तो झारखंडक सनेश कचोट में प्रयास के लिए राजनीतिक समाचार रहे अखुनका जो वर्तमान हालचाल रहे से रहे ओकर पावन त्योहार रहे खान पीन रहे मतलब सब चीज महिला के लिए बच्चा के लिए सब चीज रहे नहीं चल प्रलम कर सकते तो मैथिली मीडिया के अखनो अधिकांश हिस्सा जे छे ओ साहित्य केंद्रित छे स्वतंत्र मीडिया अखनो ठार नहीं भ सकले अछि आ साहित्य के सब विधा के पोषण आ ओकर संवर्धन संरक्षण जे छे ओ निश्चित रूप से साहित्य में मैथिली मीडिया के माध्यम से होत रहले के समयक जे अपेक्षा छे ओ कनी बढ़ल छे साहित्यकारो के कि हम देख रहल साहित्यकारक लेल आवश्यकता छै आइ जो कोनो साहित्यकार जमींदारी शोषक बारे में लिखै छथिन तऽ जमींदारी प्रवृत्ति आ जमींदार दू अलग अलग भऽ गेलै कि दबंगक अत्याचार आ दबंगक प्रवृत्ति दुनू अलग अलग विषय वस्तु भऽ गेलै कि दबंग जातीय दबंगता का समय समाप्त दिशा में छै आब दबंग अपने आप में एकटा जाति भऽ गेलै कि जेहन तहिना जकर लाठी तकर महीष ओहि समय के छलै कहावत आइयो छै आइयो जकरा टका के बल छै पावरक बल छै पैरवी के बल छै ओ आइयो ओतबे सशक्त छै जे बहुत पहिने छलै ई सब जे समवेत तथ्य सब छै ओ कोन रूपे साहित्य में आबि रहल छै कोन रूपे साहित्य या साहित्य जे परिवेश बनाओल जा रहल छै दृश्य मीडिया द्वारा ताहि सब प्रभावित भऽ कऽ साहित्य लिखल जा रहल छै
कि साहित्य दृश्य मीडिया के प्रभावित करबाक क्षमता रखे छे ई सब विश्लेषण अपेक्षित जे कोन प्रकार है चूंकि साहित्यकार काज जे छे से सिर्फ समकालीन समाजक को प्रस्तोता नहीं छे ओ समकालीन समाज के मार्गदर्शक सेहो छे ओ समकालीन समाजक जे नीक बेजा छे तकरा ओ केवल समक्ष नहीं प्रस्तुत करे छे बल्कि ओहिमे जे सुधारक अपेक्षा छे या भविष्यक जे आवश्यकता छे या भविष्यक प्रति जे सामाजिक संभावित संकल्पना छे या भविष्य गढ़बाक प्रति जे एकटा सौंदर्य सँ परिपूर्ण समतावादी समतामूलक नीक समाजक परिकल्पना छे तकरा कोन रूपे आकार देते इहो साहित्यक एकटा बड़ पैघ काज होइ छै केवल समकालीन जे क्या तो जे जरूरी नहीं छे साहित्यक दृष्टिकोण सँ जे दृश्य छे ओ सत्य छे ओ दृश्य के पाछा सो किछ दृश्य भ सकै छे जे जे किछ समक्ष पर्दा पर छे जे किछ वातावरण में छे ओतबे टा को आधार बना के जो साहित्य सृजन हेतै ओ दीर्घकालीन साहित्य नहीं भ सकते आय बहुत रास साहित्य के कन दिन पहिने देखे छलौ दिनकर जी के कोनो पंक्ति अबै छले एकरो वेद के किछ पंक्ति सब देखे छी कखनो काल के अबै छै किया अबै छै जे जहिया लिखल गेले ओ ए तरीका से लिखल गेले जे आइयो बुझाय छै उसका वातावरण को वर्णन कर रहल छै किया तो मनुष्यक प्रवृत्ति मनुष्यक दशा आ दिशा ओ कोन रूपे परिवर्तित भेले ओ ओकरा जहन हम देखबै तो आगा तक ओकर उपादेयता बरकरार रह जाय छै तो ओहि दिशा में साहित्य के अवलोकन करब आवश्यक छै सोशल मीडिया से आइ काल्हि बड़ पैघ प्लेटफॉर्म छै आ मैथिली मीडिया के जहन देखबै तो मैं सोशल मीडिया पर मैथिली बड़ बेसी पछुआयल नहि अछि तुलनात्मक रूप से ओतय सक्रियता छै आ काफी छै ओकरो विश्लेषण आवश्यक जे सोशल मीडिया आ साहित्य ओ कोन प्रकार मैथिली साहित्य के समृद्ध कऽ रहल छै कोन प्रकार से नव दिशा दऽ रहल छै या ओहिमे कतेक प्रकारक ओहिपर ओकर मूल्यांकनक की मापदंड तय हेबाक चाही या आवश्यकता नहि छै या तो साहित्य तो स्वच्छंद सेहो होइ छै ओना स्वच्छंद आ स्वतंत्र ई शब्द जे छै से बड़ा हमरा बुझने एहन शब्द छै जकर पूर्ण व्याख्या संभव नहि छै किया तो सब प्रकारक शब्दक प्रयोग आ शब्द सब प्रकारक विचारक प्रयोग कतौ ने कतौ कते प्रकारक परोक्ष अपरोक्ष अवरोधक संगे चलै छै तो स्वतंत्र लेखनी स्वतंत्र चिंतन ई सब सब संग निर्धारित होइ वाला शब्द छै या तो कतौ अपन मानसिकता अवरोध होइ छै कतौ सामाजिक मानसिकता अवरोध होइ छै कतौ अनुमानजन्य जे स्थापित विचारधारा छै से अवरोध होइ छै कतौ प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न होइ छै तऽ मैथिली पत्रकारिता के जे सवाल छै एखनो ढेर रास मासिक त्रैमासिक पत्र पत्रिका बहरायत अछि ओकर संख्याक अभाव नहि छै मुदा सुनियोजित सुव्यवस्थित आ समकालीन जे मीडिया के परिदृश्य छै ओकरा संगे कान सँ कान मिला के चलै वाला मीडिया आ साहित्यक संग ओकर जे लगाव छै कि दुराव छै एक दोसर पर निर्भरता छै कि एक दोसर के लेल प्रेरक प्रेरक छै शब्दक संगे प्रयोग छै एते बात निश्चित छै जे मैथिली साहित्य प्रति शायद विनोदे जी के कोनो हम पोस्ट पढ़ै छलहुँ कि कोनो कविता पढ़ै छलहुँ ध्यान नहि आबि रहल अछि जे मैथिली लोक लिखैत अछि मैथिली लिखल जाइत अछि मैथिली पढ़ल नहि जाइत अछि क्या ई धारणा हुनकर मानले हुनकर टटके कोनो कवितामे कतौ देखलियनि अछि कतौ सोशले मीडिया पर पोस्ट छलनि जे मैथिली लिखल जाइत अछि पढ़ल नहि जाइत अछि एते हम देखब मुदा मीडिया देखल जाइ छै सुनल जाइ छै तऽ आब केना एहि दुनूमे संजोग हेतै कोना एक दोसरा के पूरक बनबै आ मैथिली के वर्तमान परिदृश्यमे कोना एहिसँ लाभ लऽ सकैत अछि समाज नव समाजक निर्माण कऽ सकैत अछि जकर परमाके विचार छै तकरा एकटा दिशा दऽ सकैत अछि एहि विश्वास अछि जे सम्पूर्ण परिसंवादक बाद एकटा नव परिदृश्य साहित्यक लेल एकटा उपलब्धि होयत आ नीक चीज पाठकक लेल एतन समृद्ध रूप से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अशोक अफजल जी अब हम देखेंगे बीज भाषण इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे बीच में उपस्थित है हमारा आमंत्रण को स्वीकृत करते हुए प्रख्यात मैथिली लेखक आलोचक और पत्रिका संपादक
आदरणीय अजित आजाद जी, जिनका मूल नाम है अजित कुमार मिश्र। 1997 में शुरू हुई अजीत जी का पत्रकारिता यात्रा आज तक निरंतर चल रहा है। इसके साथ साथ आप अपनी साहित्यिक जीवन भी शुरू किया। आपने 2006 में पहली कविता संग्रह युद्धक विरोध में बुद्धक प्रतिहिंसा प्रकाशित किया है। इस किताब कई भाषाओं में, अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। आपने अब तक 30 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, उनमें से प्रेम का महाकाव्य, वाम से आवाम तक, मंच गीत, कठिन समय में शब्द इत्यादि प्रमुख है। एक संपादक और अनुवादक रूप में आपने कई किताबें लिख चुके हैं। आपको रंगमंच क्षेत्र में भी कौशल है। आपने अब तक 120 से अधिक नाटकों में अभिनय किया है। आपकी साहित्य सृजनशीलता को देखते हुए कई साहित्य संस्थाओं ने अपनी पुरस्कारों से सम्मान किया है। कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान, सत्यानंद पाठक युवा पत्रकारिता सम्मान इत्यादि उसमें शामिल है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बीज भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय अजित आजाद, अजीत जी आपका अनम्यूट, ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले तो हम साहित्य अकादमी के प्रति आभार प्रकट करे छी, जे एहि अवसादजनक स्थिति के तोड़बाक निमित्त मीडिया आ साहित्य पर केंद्रित महत्वपूर्ण विषय पर सिंपोजियम आयोजित कैलक अछि। आदरणीय सुरेश बाबू आ मैथिली के संयोजक डॉक्टर अशोक अविचलक प्रति आभार प्रकट करै छी। एहि सत्रक अध्यक्ष मैथिली के वरिष्ठ कवि आ लगभग 7 पत्रिका के संपादक रहल श्री उदय चंद्र झा विनोद जी के अनुमति से बीज वक्तव्य हेतु प्रस्तुत होयबा से पूर्व एहि बीच दिवंगत भेल मैथिली के कतिपय पत्रकार, साहित्यकार एवं आम जनक प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। देश भर में आ विश्वहु में जे समय एहि पीड़ादायी जे सब एहि पीड़ादायी समयक शिकार भेला अछि, सबक प्रति श्रद्धांजलि निवेदित करै छी। आदरणीय लोकनि, मीडिया आ साहित्य अदौ से एक दोसरक पूरक रहल अछि। यद्यपि दुनू को भूमिका आ प्रभाव में किछ स्तर पर अंतर अछि। यह अंतर दुनू के दू अलग अलग माध्यम बनबैत अछि। भारतीय बांग्बे में साहित्यक प्रस्फुटन महर्षि वाल्मीकिक मान निषाद सँ मानल गेल अछि, जकर विस्तार वेद पुराण उपनिषद सँ होइत आय 21वीं शताब्दी के तेसर दशक में प्रवेश कयलक अछि। मीडिया जकर निहितार्थ समाचार सँ अछि, तकर बेगरतुत ई सृष्टि आरंभीय काल सँ रहल अछि। कुशल क्षेम जनवा से शुरू भेल ई समाचारी प्रक्रिया नहु नहु अपन परिधि विस्तार करत गेल आ आय सूचना प्रौद्योगिकी रूप में सगर विश्व के अपन प्रभाव में लो लेलक अछि। पौराणिक कालखंडक अध्ययन करत काल एकटा पात्र समाचारक संदर्भ में सहजहि ध्यान आकृष्ट करै छथि, ओ छथि नारद। देवऋषि नारदक भूमिका मुख्यतः सूचना प्रदाता के रहलन अछि। मनुष्यक विकास क्रमक अनेक पड़ाव अछि। ओहि सब पड़ाव में सूचना के महत्व स्पष्टतः देखाइत अछि। आदि मानव लोकनि ध्वनि संकेत सँ सूचना के आदान प्रदान करै छलाह। डाकन दबाक एहि चलन सैर सँ एकटा शब्द निकलल, डाक। डाकन हम सब दै छलियै पहिले, पहिलुका जमा चिकरि के, बाद में ओ के छ हो एना कए कए से ओकरा
कालांतर में वो डाकन देव एले और वो डाकन शब्द से डाक व्यवस्था नाम के एक शब्द सृजित भेले बाद में अभिचय पर। मैथिली सहित अनेक भाषा में डाक वचन प्रसिद्ध भेल अछि। किछ गोटे डाक के व्यक्ति मान गुआर जातिक मान अपन गवेषणा प्रस्तुत कयलनि अछि, मुदा हम एखन मूल शब्द डाक पर अबै छी जे बाद में डाक व्यवस्था के आधार बनल। ध्वनि संकेत से आगू बढ़ल मनुष्य गाछ पर, गाछक छाल पर, पाथर पर, लोहा पर, ताम पर, तरीपत्र पर सूचना आ मनोभाव उत्कीर्ण करय लागल। कागजक आविष्कार भेला पर सूचना के आदान प्रदान आ मनोभाव लिखब किछ आसान भेल। मनोभाव शब्द हम एतय पुनः दोहरावल अछि। साहित्यक आरंभ अही मनोभाव से भेल अछि। चिट्ठी पुर्जी लिखा लागल, आरंभ में एक से दूसरा स्थान धरे ई चिट्ठी पुर्जी प्रशिक्षित चिड़े खास कर परवा के माध्यम से पठाओल जाय लागल। हर कारा एकर बादक उपलब्धि छी जे बाद में डाक व्यवस्था में डाकिया बन गेल। एतय धरिक यात्रा मीडियाक समान यात्रा छल। अई में अपना मादे जनतब देव अब परिजन पुरजनक जनतब लेव धेर सीमित छल। विशेष घटना, घटना के कारण, तकर परिणाम आदि के उल्लेख बादक प्रक्रिया थी। अई लेल अन्य मजबूत माध्यमक आवश्यकता पड़ल ले। अही आवश्यकता के कोइक से बहरायल समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आ आय सोशल मीडिया। तहिना मनोभाव व्यक्त करबाक प्रक्रिया में शैलीगत विकास हुआ लागल आ अहू लेल समुचित माध्यमक पड़ताल शुरू भेल। परिणाम में सोझा आयल साहित्य जे विधागत रूप से अनेक प्रकार ग्रहण कयलक। कविता, कथा, उपन्यास, नाटक, निबंध कथा, लघु लघु कथा आदि आदि। पत्रिका सब बहराय लागल, किताब सब छपाय लागल। एम्हर ई फेसबुक और ब्लॉग आदि के अभिव्यक्ति के माध्यम बनौलक ते एकर परिधि विस्तार आर नमहर भेले। समाचार पत्र सब में अपराध, अपराधक कारण, दोषी, निदान, समाधान प्रस्तुत हुआ लागल। ते सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सहित वैश्विक घटना परिघटना सबक विवेचन सोझा आवा लागल। अइमे रेडियो आ टीवी के भूमिका सर्वाधिक रहल, खास कर त्वरित प्रसारक दृष्टि से। आप विचार करी जे दुनू माध्यम में कत अंतर छे। समाचार व्याख्या आ विश्लेषण से यंत्र किंचित बचत रहल। समाचार व्याख्या आ विश्लेषण से यत किंचित बचत रहल। एकर अनेक कारण, मुख्य कारण समय आ संसाधनक कमी। अखबारक पृष्ठ नियत छै, समाचारक संख्या अधिक तो ओ सारांश देबाक प्रयास करत। साहित्य ऐसा मुक्त अछि, ओ कोनो घटना के तह पृष्ठक चिंता अथवा समयक चिंता नहि करैत अछि। किसान आंदोलनक पृष्ठभूमि पर यात्री जी के बलचनमा, ललितक पृथ्वी पुत्र और डॉक्टर धीरेन्द्रक भोरुकवा उपन्यास समाचारक भीतरी परत में जाकर कारण और निवारण तकैत अछि। मीडिया और साहित्यक मूल स्वभाव जनता के पक्ष लेब थी, दोषी के सोझा आनब थी, मनुष्यता से विमुख लोक के रास्ता देखेबाक काज ई दुनू माध्यम करैत अछि। मैथिली मीडिया आ साहित्य आई वैश्विक स्तर पर अपन भरोस बढ़ौलक अछि, भरोस बढ़ौलक अछि। ए भरोस पर किछ हम बात बाद में करब। एखन हम आशावादी दृष्टिकोण से और किछ जे यथार्थ छै से संदर्भ में ई बात कहल अछि जे भरोस बढ़लक अछि साहित्य के प्रति सेहो और मीडिया के प्रति सेहो मैथिली के संदर्भ में।
1905 में शुरू भेल मैथिल हित साधन सँ अद्यावधि मैथिली पत्रकारिता जनोन्मुख रहल अछि। यद्यपि आइ जै अर्थ में पत्रकारिताक स्वरूप के अपना सब मानै छी तकर अभाव आरंभिक काल में अवश्य रहले। साहित्य पक्ष मजबूत रहले पत्र पत्रिका में, एकरो कारण समय आ संसाधनक अभाव थी। किंतु बादक समय में दैनिक मिथिला मिहिर, स्वदेश, मिथिला आवाज, मिथिला मैथिली समाज, समय साल, चिनगी, मिथिला समाज, मिथिला दर्शन आदि बहुत अर्थ में प्रतिपूर्ति केलक। सौभाग्य मिथिला टीवी चैनल से मनोरंजन जगतक सूचना तीव्र गतिये लोक के भेट लगले। एम्हर आबिके यूट्यूब चैनलक बढ़ैत उपयोग मैथिली मीडिया के गति देलक अछि। ब्लॉग आ ई पेपरक सकारात्मक प्रभाव पड़ि रहल छैक। मैथिली जिंदाबाद, मिथिला मिरर, मिथी मीडिया, मिथिला मेल आदिक प्रभाव भविष्यक नींव मजबूत करबा में सहायक होयत। मीडिया में साहित्यक प्रश्रय देला से साहित्यक पहुंच आ प्रभाव सेहो बढ़ले अछि। पुस्तकक प्रकाशन में गति आयल अछि, पाठकक संख्या बढ़ रहल अछि, मुदा एखन बहुत काज करबाक आवश्यकता अछि। मैथिली मीडिया में पूंजी निवेश आ रोजगारक संभावना रहितो एखन स्थिति चिंताजनक अछि। पत्रकार लोकनि के मीडिया में पूर्ण समय देव एखन हुनक रोजी रोटी के संदर्भ में रिस्की अछि, खतरा जनक स्थिति अछि। तहिना पूर्णकालिक साहित्य लेखन करब आ एहिसँ घर चलायब एखनो दिवा स्वप्न बनले अछि। एकर पाछू जे हम कारण सब जनै छी ओहिमे मुख्य कारण ई अछि जे सोशल मीडिया, चाचा जी के प्रणाम करै छियनि, बहुत प्रसन्नता अछि उनका सामने में रखियौ, बहुत नीक बात जी। मुख्य बात जे हम कहऽ चाहैत छी जे मैथिली में सोशल मीडिया जाहिमे अधिक पूंजी के आवश्यकता एखन नहीं देखायल अछि, ई एखन एकल कर्मचारी सिस्टम से चल रहल अछि। ओहिमे एकेटा संपादक छथि, एकेटा टाइपिस्ट छथि, एके गोटे सब चीज कऽ रहला अछि, तऽ एकर जे दुष्परिणाम छै सेहो छै सोझा, मुदा शुरुआत के लेल ई एकटा से महत्वपूर्ण बात अवश्य मानल जेबाक चाही जे तथापि जना हिंदी में या अंग्रेजी में वायर नाम के जना एकटा से सोशल ब्लॉग छे, हिंदी में बहुत रास छे, अइ में बेसी बेसी लोक सब काज कर रहल किन है, सबके दरमाहा तलब भेट रहले है, से मैथिली में नहीं भेले है, जे कि ओकरा सब लग बेसी संसाधन, बेसी धन, अन्य भाषा के जे सोशल साइट से तकरा भेट रहल है, तो ओ सब अनेक अनेक स्तर पर महत्वपूर्ण काज करबा में ओकर प्रभाव देखेबा में सफल भेल छथि। जानकी पुल नाम के से ब्लॉग साहित्य के क्षेत्र में हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण काज सब केलक अछि, जे कि हमरा सब एठा विदेह जे छे से एकर शुरुआत केलक और ओय में विदेह ई पत्रिका महत्वपूर्ण काज केलक अछि। ई सब छै, मुदा किछ कर्मचारी के बढ़ गेला से, किछ पूंजी निवेश के बढ़ गेला से पत्रकार लोकनिक जीवन यापनक समुचित संसाधन उपलब्ध करेला के बाद जे एकर परिणाम सोझा अयतै से नै आबि रहल छै। तहिना अशोक अविचल जी जे एकटा महत्वपूर्ण बात कहलनि, पूरा वक्तव्य हुनकर विषय परावर्तन जे हुनकर रहन से बहुत महत्वपूर्ण रहन, तैमे एकटा खास बात जे ओ वर्तनी संदर्भित बात उठौलनि तकर हम से हुनकर बात से सहमत होइ छी जे साहित्य में त वर्तनी के जे छे से अलग अलग रूप सब देखा पड़िए रहल अछि। एकटा प्रकाश के रूप में हम ई बात गछै छी जे हमरा
पर एतेक रास दबाव सब अछि जे सबके अलग अलग वर्तनी करब बाध्यता जकां बुझा जाइत अछि। तथापि लेखक सबसे एकटा बातचीत कऽ के एकटा से विश्वास में लऽ के प्रयास रहित अछि जे मानकीकरण में से सब लेखक एक धरा पर चलत लेखन के स्तर पर। बाजबाक जे स्तर छै से त सबके अपन स्वतंत्रता छन, मुदा लेखन में एक एक रूपता आवे। साहित्य में जे ई दोष छलैए से अखबार दिसन जे छै से हमरा सबके नजर नै गेल, और सोशल मीडिया में जे भाषा के अराजकता अछि तहू दिसन ध्यान नै जा रहल अछि। हम सब जनै छी जे कोनो किताब ओकर जे अधिकतम जे प्रकाशन छै साहित्य अकादमी की मैथिली अकादमी आकि नवारम या अन्य जे निजी स्तर पर या प्रकाशक लोकन जे किताब सब छपै छथि ओ एखन जे छै से 300 कॉपी 500 कॉपी 1000 कॉपी बड बेसी त 2000 और किछ अपवाद में 5000 कॉपी यह है। बेसी किताब जे छपि रहल अछि ओ 300 से 500 कॉपी के एडिशन छपै छै, अर्थात ओ एकटा किताब जो सबटा बिका जाय अथवा सबटा बटा जाए तैयो हम 300 पाठक और 500 पाठक लग जाए छी। मुदा पत्रकारिता के संदर्भ में ई 300 और 500 से कै गुना ज्यादा होइए। अर्थात कोनो अखबार जना हम सब स्टार्ट लेने रही मिथिला आवाज के 5000 कॉपी से जे धीरे धीरे बढ़त गेले, एखन जे सोशल साइट्स पर जे छे से मैं मिथिला मेल चलबै छै सच्चिदानंद सच्चू जी, मिथि मीडिया रूपेश त्योत जी, अथवा प्रवीण नारायण चौधरी जी मैथिली जिंदाबाद, विनीत उत्पल जी अपन से अलग ब्लॉग के माध्यम से काज कर रहल छथि, हमर आदरणीय लेखिका दीदी विभा रानी जी सेहो हुनकर अपन जे हिंदी के ब्लॉग सब छै तै पर वो बहुत सक्रिय छथि। तो अई दृष्टिकोण से हम जो कही ते हिनका सबक जे प्रसार संख्या छै ओ 5000 से बेसी के संख्या में छै। पत्रिका सब जे छै से ओ 1000 1500 200 एखन त 500 पर से एखन मोटा मोटी चल रहल अछि। तब मीडिया जे छै से ओ सर्कुलेशन में प्रसार में साहित्य के तुलना में बेसी अछि, अर्थात ओ जनता लग आम जन लग बेसी जा रहल अछि। मीडिया और साहित्य में जे ई एकटा खास बात यहो कह रहल छी जे विनोद जी के लिखल साहित्य या अजीत आजाद जी के लिखल साहित्य से बेसी जे छे आय के से यथार्थ छे ओ साहित्य से संदर्भित लोक लग ज्यादा जा रहल है, ओ गौआ घरुआ या आम जन तक नहीं जा रहल है। ठीक एकर उलट मीडिया जे छे से साहित्य संदर्भित लोक लग जाइए रहल अछि, ओ आम लोक लग सेहो जा रहल अछि, अर्थात आम लोक के भाषा में वर्तनी में प्रशिक्षित करवाक जे ज्यादा श्रेय छै अधिक श्रेय छै से साहित्य के अपेक्षा मीडिया लग ज्यादा जाय छै, मीडिया के हम दै छियै। तेहन में मीडिया के वर्तनी मीडिया के भाषा अगर अराजक हेतै ते एकर दुष्परिणाम से अबै वाला समय में से बहुत खतरनाक स्तर पर हम सब देख सकब। तै दुआरे से हम सब सोशल मीडिया से जुड़ल लोक सब से आग्रह करै छियन जे ओ भाषा के वर्तनी के से ओ एखनी से साकांक्ष रूप से कम संसाधनक अछै से ओ अवश्य तकतान करैत रहे। आब हम जे बात कह चाहै छी मीडिया पर भरोसा या विश्वसनीयता के संदर्भ में जकर उल्लेख हम आरंभ में कयने रही, आइ जे मीडिया अछि जो एखन हम मैथिली मीडिया के कने कात कऽ लै छी, हम हिंदी मीडिया और अंग्रेजी मीडिया या अन्य भाषा के मीडिया के ध्यान में रखै छी, ते मीडिया पर सब भरोस
अय कारण से बेसी घटले जो ओ सब दलीय राजनीतिक पैरोकारी में से अपन लेखन के अपन प्रसार के अपन व्यवस्थापन के केंद्रित रखने छथि। अय कारण से बहुत रास मीडिया हम सब एखने से जान जाय छिए जे ई मीडिया से सत्ता पक्ष के पैरोकार अछि अथवा फलना दल के पैरोकार अछि अथवा फलना पार्टी से संदर्भित अछि। तहिना से मैथिली मीडिया के अगर हम बोलै छी तऽ ओहिमे से एखन व्यापक अर्थ में हम एहि निष्कर्ष पर नहीं पहुँचलहुँ अछि जे मैथिली मीडिया पैरोकारी के अछि। एखन तक अपन न्यूट्रलिटी के अपन तटस्थता के बचा के रखबा में सफल भेल अछि, मुदा यत्किंचित अर्थ में हमरा ई लगैत अछि जे मैथिली में सेहो से एकटा पक्ष से राजनीतिक पक्ष से पत्रकार लोकन के भीतर में कुनमुनाइत रहल छन। एहन में मैथिली मीडिया पर सेहो भविष्य में भरोस घट सकैत अछि, तै के लेल से मीडिया के से साकांक्ष रहक अछि से जै मामला में साहित्य एखन तक अपन भूमिका के तटस्थता के संगे जनता के आम जन के पक्ष में रहल अछि, तहिना मीडियो के आम जनक पक्षकार हेबाक चाहिए। आब जे हम से किछ आर जे महत्वपूर्ण तै में संक्षेप में हम दू तीन टा बात पर अपन बात रख अपन वक्तव्य समाप्त करब, कारण हम सिर्फ चिन्हित कैल अछि बीज वक्तव्य के रूप में जे की समस्या छै और कतौ कतौ से संभावना छै। तै में जे एखन हमरा सबसे पैघ जे अभाव खटक रहल अछि ओ अछि मैथिली में से पत्र पत्रिका तो छै साहित्यिक, मुदा समाचार और समाचार विश्लेषण आधारित पत्र पत्रिका के अभाव से एखन सर्वाधिक अछि। मैथिली में एखन एकौटा अखबार नहीं अछि दैनिक, से एकटा चिंताजनक स्थिति अछि। मैथिली में टीवी चैनल नहीं अछि, से चिंताजनक स्थिति अछि। मैथिली में से सामुदायिक रेडियो पर्यंत नहीं अछि। तथापि हम ई कह सकै छी जे मित्र राष्ट्र नेपाल में मैथिली के बहुत रास काज सब भेल अछि, खास कऽ के रेडियो संदर्भित। आइ ओतऽ से लगभग 16 टा से FM कार्यरत अछि और ओ मैथिली में काज कऽ रहल अछि। हेलो मिथिला एकर आरंभिक से विस्तार देने छल, बाद में बहुत रास FM सब सोझा आयल अछि, जेना मिथिलांचल FM, जनकपुर FM और बहुत रास जलेश्वर FM। तो एहि सब दृष्टिकोण से हमरा लगैत अछि जे अहू पार अर्थात भारत में से FM से हेबाक चाही, रेडियो के से उपयोगिता बढ़ाओल जवाक चाही। अय के लेल सरकारी स्तर पर से FM के जे सुविधा देल जवाक चाही, ओकर किछ कानून में छूट देल जवाक चाही, ओकर राशि में जे सब्सिडी देल जवाक चाही, तै सब के आवश्यकता छै। मैथिली में अखबार में पूंजी निवेश से हेबाक चाही। दूटा अखबार मिथिला समाज कोलकाता आ मिथिला आवाज दरभंगा, अय में पूंजी निवेश भेल छल और कह सकै छी जे आर्थिक कारण से ई दुनू अखबार नहीं मूल अथवा बंद नहीं भेल, एकर कारण अन्य छल। और अय अन्य कारण में से मैतेरा से एहन कारण सब छल जकर उल्लेख सार्वजनिक पटल पर अथवा अय सिंपोजियम में करब हम उचित नहीं बुझै छी, मुदा एतेक खगता हम अवश्य मानै छी जे मिथिला आवाज या मिथिला समाज अखबार दैनिक छल तो समाचार तीव्र गतीय आगू अबै छल आ ओय में साहित्य के प्रसय भेटै छल। साहित्य के लेल साप्ताहिक कॉलम छल अथवा प्रतिदिन से कोनो न कोनो विषय पर से साहित्यिक सामग्री
रहते छल, कहियो धर्म पर, कहियो पर्यटन पर, कहियो कथा कविता पर, ते ई सब चीज अखबार के नहीं रहला से एकटा घाटा से भेले है। अशोक अविचल जी और हमर आदरणीय सुरेश बाबू सेहो अपन वक्तव्य में से विश्व स्तर पर जे एखन पत्रकारिता के स्वरूप छै तै पर चर्चा केलन अछि। हम मानै छी जे वैश्विक स्तर पर कने हम सब पछुआयल अवश्य छी, मुदा जतवा संसाधन छे, मिथिला के जतवा साक्षरता दर छे, मिथिला में जहिना से शहर के अभाव छे, एतक गाम बेसी छे और गाम तक मीडिया के पहुंच बहुत सहज नहीं छे, अखबार पहुंचब, पत्रिका पहुंचब एतक सहज नहीं छे, तेहना सन स्थिति में बिना पूजी के, बिना कोनो यथेष्ट संसाधन के आई जे हम सब जतवा उपलब्ध हासिल कर सकलों तै पर संतोष अवश्य हमरा प्रसन्नता है जे आय महत्वपूर्ण विषय पर जे सिंपोजियम भेल और अ सिंपोजियम में अ विषय पर पुस्तको आब सकैत है जकर की भरोस देलन तो एकर प्रभाव हमरा लगैत है से द्विगुणित हैत और भविष्य में मैथिली मीडिया से सकारात्मक ढंग से अपन पहुंच अपन प्रभाव के आर विस्तार देत, यह हम एखन से कहे छी। हमरा अवसर देवा के लेल साहित्य अकादमी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करे छी। वयस में हम एखन से ओय रूप में से अपना के से नहीं माने छी जे कोनो विषय पर हम से बीज वक्तव्य प्रस्तुत करी, हमारी पहिल बीज वक्तव्य छल। अहू दृष्टि हमरा अवसर देवा के लेल, हमरा पर भरोस करवा के लेल आदरणीय मित्र अशोक अविचल जी के प्रति आ सुरेश बाबू के प्रति, डिप्टी सेक्रेटरी साहित्य अकादमी आ साहित्य अकादमी के सचिव आ अध्यक्ष के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजीत आजाद जी। अब हम सुनेंगे अध्यक्षीय भाषण। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे बीच में उपस्थित है मैथिली कुरवुर्द मूर्धन्य परमादरणीय उदय चंद्र झा विनोद जी। मैथिली साहित्य जगत के ज्ञानवदानी और दर्शन शास्त्र की विशेष रूप में कृषि किया है श्रीमान उदय चंद्र झा विनोद जी ने। अब तक 14 कविता संग्रह, 2 नाटके, 4 संपादित किताबें, कुल मिलाकर 20 से अधिक किताब लिख चुके हैं। आपको अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, उनमें से प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी के पुरस्कार 2011 में अपक्ष कविता संग्रह के लिए प्राप्त हो चुके हैं। प्रोत्साहन पुरस्कार, यात्री चेतना पुरस्कार इत्यादि उनमें उन पुरस्कारों में शामिल है। अब मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। परमादरणीय उदय चंद्र झा जी विनोद जी, सबसे पहले साहित्य अकादमी के सिंपोजियम के हम स्वागत करे छी। सुरेश बाबू के माध्यम से साहित्य अकादमी के धन्यवाद दे छी आयोजनक लेल। अशोक हमर प्रतिनिधि अशोक अविचल जी बड़ बढ़िया आयोजन कलन, समय मांग छे एखन आयोजन के, अई तरह परिचर्चा के आवश्यकता छे। मैथिली अर्ध विकसित भाषा थी, एकर पत्रकारिता पूर्ण स्वरूप में प्रस्फुटित कहियो नहीं भेले। एकर जे अभियानी लोग सब चला, अवदानी लोग सब चला, साहित्यकार लोकन चला, वो सतत प्रयत्नशील रहला, लेकिन राष्ट्रीय मुख्य धारा में मैथिली पत्रकारिता नहीं आ सकल। प्रतिभा का अभाव नहीं छले। आगा हम ई पर गप कहब
राजनीति विमुख भो काज नहीं कल जा सके लोकतंत्र में। एवरीबॉडी हैज ए पॉलिटिक्स, बिना राजनीति के क्यों लोग होते नहीं है। जन पक्षधरता के निर्वाह तक नहीं है जखन की राजनीति के जो विभिन्न धारा से अहाँ चुनाव कर दे वो चुना पड़त। कट्टरता नीक नहीं होइ छे, निश्चित रूप से लचकदार रह चाहिए जीवन में और जीवन दर्शन से हो एहन रह चाहिए जाय से मानव कल्याण हो। 116 वर्षक मैत्री पत्रकारिता के इतिहास से चर्चा कलन है अशोक जी, ओय में विभिन्न तरह से बड़का बड़का लोग सब छला, संस्कृतक, मैथिलीक, अंग्रेजीक एवं अन्य भाषा साहित्य विद्वान लोग हमारा अवदानी लोग सब लोग प्रयास कलन मैथिली में बहुत कुछ काज भेले। मीडिया के जो मैथिली से इतर आन भाषा दिस कने ध्यान देवे तो साहित्य मीडिया में प्रिंट मीडिया में वो हाशिया पर रहे, हाशिए पर साहित्य। जन सोशल मीडिया के जन जुगे ले है तो सोशल मीडिया में मैथिली पछुआल नहीं है, ये बात कहल जा चुका है पहले। सोशल मीडिया पर हम छी, सोशल मीडिया संगे एक बड़का सुविधा मिले जो हमारा दरवाजा खुजल है, प्लेटफॉर्म भेटल है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक साहित्य में नव लोक बेसी होइ छे, लेखन में पुरान लोक धीरे धीरे घटित जाइ छे और नव लोक प्रवेश करित जाइ छे। नव लोक बेसी होइ छे आ जनै छी जे नव लोक के एकटा अभिभावक चाहिए, बच्चा के जे पालन पोषण होइ छे ओकरा लेल एकटा गार्जियन एकटा रहै छे घर में जो ओकरा कहै छे एना बाजी, एना चली, एना लिखी, ओइ के लेल गार्जियन चाहिए, अभिभावक चाहिए। सोशल मीडिया पर से संभव नहीं छे, लिखलहुं जे मन भेल से पोस्ट कर दलिए और तकर बाद कलम पकड़ी कर आचार सुरेंद्र झा सुमन से शुरू कलौ आ जकरा जे कहक भेल से स्वच्छंद भ के कह दलौ। ई जे अराजक स्थिति के निर्माण होइ छे से अंततः घातक होइ छे। पत्रकारिता में की चले, संपादक एकटा छला, हुनकर एकटा टीम रही चले, उनु जे नवागंतुक होइ छला, नव हस्ताक्षर होइ छला, हुनका रचना पर विचार कयल जाइ छले और अनुशासन में रही क ओइ प्रतिभा के निर्माण होइ छले। ओहिना क लोक आगा बढ़ै छले। सोशल मीडिया में ई अनुशासनक अभाव छै। बहुत रास नाम हम नहीं लेब, बहुत रास लेखक अभरै छथि सोशल मीडिया पर, नव प्रतिभा चमत्कृत करै छथि, लेकिन देखै छी जो तो तालब सँ और दंत सँ नहीं बुझै छथिन जे कतौ प्रयोग करी। वर्तनी पर तऽ जाय बाद में मूल जे शब्द लिखक छै हुनका शासन नहीं लिख अबै छथि, जे गंभीर पाठक से तो पकड़ता। आई ढंगक जे प्राइमरी योग्यता चाहिए तकर अभाव ओकर मार्जन करी तहां के संपादक, जे संपादक नहीं है। सोशल मीडिया के सावधानी पूर्वक हमरा लोग जो उपयोग करी तो मैथिली के बहुत रास काज हेतु काज भ रहल छे। सोशल मीडिया पर काजों के वस्तु आबि रहल छे, थोड़ अबै छे बेसी आकाजक वस्तु अबै छे, मुदा करत करत अभ्यास ते जर्मति होत सुजान, क्यों माये के पेट से सीख कर नहीं अबै छे। एहि ढंग से प्रयास करी छे आ प्रतिभा जन्मजात के चुने होइ छे, प्रतिभा अर्जित होइ छे। जे जेहन अखाड़ा पर जते, जे रोज जते अखाड़ा पर ओ छोटको पहलवान हेबे करते, ओ स्थिति सोशल मीडिया में ओकर उपयोग हमरा लोगन के करवाक चाहिए। जहां तक राजनीति के बात छे, जीवन के सब क्षेत्र में पतन भेलै। 19वीं शताब्दी के लोग के जे हमरा, 20वीं शताब्दी के लोग के जे हमरा लोगन देखलियै ना, जो किरण जी, मधुब जी, सुमन जी के जहन हम देखलियै ना,
और अपना लोकन के देखै छी हम बुझाइए जे हाँ पतन भेल है कहाँ छी हम सुमन जी सन कहाँ छी हम मधुब जी सन वो समर्पण कहाँ रे किरण जी जका मैथिली लेल बता कहाँ छी कने एकटा आउटलेट भेट जाइए तो फट तो दोसर ठाम चल जाइ छी वैयक्तिक लाभ लोभ के लेल हमरा लोकन जे मैथिली का हित कह दै छिए से हमर पुरखा लोकन नहीं करै छल मीडिया के उपयोग केना कैल जाए मैथिली के हित में भाषा साहित्य के हित में और मीडिया और साहित्य के अंतर संबंध जो हमरा लोकन लाभ ही एकरा परिभाषित करो बड़ बढ़िया लेख पढ़लें अजीत जी अजीत जी एकटा बात पर कहलन जे जनपक्ष धरता राजनीति पर एकटा बात कहलन जे विवादास्पद है कारण हम शुरू में कहलूं उनके और वक्तव्य से प्रभावित होकर कहने चलूं जे एवरीबॉडी हैज पॉलिटिक्स राजनीति विहीन लोग तो भैये न सके छे तहन वो राजनीति कतबा जनता के पक्ष में छे ई विचारनीय हम अपने लोगन के पुनः पुनः प्रत्येक पार्टिसिपेंट के विभा के सच्चिदानंद के उत्पल जी के जत्ते गोटे में भाग ललो है कर ज्ञात अज्ञात सहयोगी तमाम के धन्यवाद दै छी और हमरा सनक बूढ़ के आई में अपन दू शब्द कहवा के अवसर दे अदर्श हम कृतज्ञता ज्ञापित करै छी साहित्य अकादमी के संगे साहित्य अकादमी से इहो कहबे कि अई समक आयोजन में से जे लोग भाग लै छै हुनक अहाँ के मार्ग में बचैये रहब सहब बचैये कम से कम पारिश्रमिक पर तो विचार कैल जाबाक चाहिए मुफ्ते में ई सबटा आयोजन जे अहाँ करा रहल छिए ई साहित्य अकादमी कम कह रहल छी एहि पर साहित्य अकादमी के विचार करबाक चाहिए जे लोग जे भाग लैया ओकर जे पारिश्रमिक अहाँ दै छलिए 2-4-5-800 रुपया सेहो तो कम से कम भुगतान कैल जाबाक चाहिए यही आवेदनक संग हम अपन वक्तव्य के समाप्त करै छी अपने लोगन के धन्यवाद दै छी बहुत बहुत धन्यवाद अविचल जी आपका अनम्यूट कर ली सुना लिया कि नहीं सब बोलते हाँ सुरेश बाबू हाँ बहुत निक सुरेश बाबू जो अंतिम में ये प्रश्न उठाए उस पर तो निर्णय ले चुके हैं ना हाँ हम लोग उसमें दिक्कत नहीं है और सब सब वो निर्णय बहुत चुका है आप अखन जते परिसंवाद भ रहल है अप्रैल के बाद अप्रैल से ऑनरेडियम दवा के निर्णय बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय उदय चंद्र जी विनोद जी आप समय उठा के इस समय में भी इस स्थिति में भी आप हमको अनुग्रह किया है बहुत बहुत धन्यवाद अब हम सीधा चलेंगे आलेख पत्र प्रस्तुति सत्र इस सत्र को अध्यक्षता के लिए हमारे बीच में हमारा आमंत्रण पत्र स्वीकृति करते हुए हमारे बीच में उपस्थित है प्रख्यात मैथिली और हिंदी लेखिका विभा रानी जी और ये मेरा सौभाग्य है कि विभा रानी जी को सभी दर्शकों को परिचित करवाना चाहता हूं कि लेखक अनुवादक नाट्य लेखक नाट्य व फिल्म कलाकार फोक प्रेजेंटेटर और साथ साथ कथा लेखक के अतिरिक्त एकल नाटक मिथिला के लोकगीत व लोक साहित्य में क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है आपने अब तक 7 कथा संग्रह 9 प्रकाशित नाटक और लोक साहित्य पर 2 किताबें 2 कविता संग्रह मैथिली से हिंदी में 8 अनुवादित किताबें सहित 30 किताबें आप अब तक प्रकाशित किया है साहित्य और रंगमंच में निरंतर योगदान के लिए आपको 25 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं उनमें से किरण पुरस्कार प्रथम व्यंग्य रचनाकार सम्मान डॉक्टर माहेश्वरी सिंह महेश सम्मान इत्यादि उनमें से शामिल है अब मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अध्यक्षीय शब्दों के साथ इस सत्र को संचालन करना शुरू करें आदरणीय विभा रानी जी सब गोटा के प्रणाम हम प्रणाम करे छी सबसे पहले तो साहित्य अकादमी के अशोक अविचल जी के सुरेश बाबू जी के ऐसे पहले के सत्र में हमारा संगे छला अजीत आजाद जी उदय चंद्र झा विनोद जी उनका सबके
हम अपन आभार व्यक्त करी छी साहित्य अकादमी के प्रति कि ओ हमरा आई के आई कार्यक्रम ले हमरा अध्यक्षता करे के अवसर देलेने। अध्यक्ष के रूप में अथवा जे कही जे हम अपन गप अपन बातचीत हम पाछा राख के चाहब, किंतु एक गप हम अवश्य कह के चाहब जे मीडिया और साहित्य, मीडिया आ साहित्य, मीडिया एंड लिटरेचर, एक बहुत बर्निंग ज्वलंत प्रश्न छे, ज्वलंत स्थिति छे, कोना साहित्य आ मीडिया एक दूसरा से जुड़ल छे, कोना साहित्य मीडिया एक दूसरा से अलग छे, कोना इंटरकनेक्टेड हो तो कोना दोनों अपन अपन अस्तित्व रखने छे, ऐ दोनों अस्तित्व के कोना लग के हमरा सबके आगा बढ़ के छे, खास तौर से मैथिली के संदर्भ में ई हमरा सब देखा के हम सब प्रयास करब। हमरा संगे तीनटा युवा साहित्यकार आ युवा मीडिया कर्मी हम जिनका हम कह सके छी हमरा संगे छै, तो हम चाहबे जे पहिने हुनका सबके आलेख हम सब सुनी आ तकरा बाद जे छै से हम अपन विचार विमर्श आ जे हेतै से आगा करब। क्या लेते पहली आलेख पाठ अविनीत उत्पल जी, मीडिया आ साहित्य परस्पर संबंध। लेकिन इसके पहले दर्शकों को परिचय करना चाहता हूं कि श्रीमान विनीत उत्पल जी एक युवा पत्रकार एवं संपादक और मैथिली की त्रैमासिक शोध पत्रिका तीर भुक्ति के संपादक हैं। आपने मैथिली और हिंदी में कई किताबें लिख चुके हैं, उनमें से नए समय में मीडिया हम पुछैता छी, मैथिली शोध समय इत्यादि प्रमुख है। संप्रति IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में पत्रकारिता और जनसंचार विषय में सहायक प्राध्यापक है। अब मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी आलेख प्रस्तुत करें। धन्यवाद सुरेश सर, सभी को प्रणाम। जो पिछले सत्र में अशोक अविचल जी को भी, उदय चंद झा, विनोद जी को भी, और फिर इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे विभा रानी जी को भी मेरा प्रणाम। तो मेरा जो विषय है वो है मीडिया आ साहित्य परस्पर संबंध। मीडिया के जीवंत आ झटपट में लिखल इतिहास कहल जाते हैं, दोसर दिस साहित्य समाजक ऐना होते हैं। एना में मीडिया व साहित्यक परस्पर संबंध की भ सकते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न है जरा पर विचार हेबा चाहिए। चूंकि मीडिया लोगक दैनंदिनी जीवन का प्रभावित करत है आ साहित्य समाजक दिशा आ दशा में परिलक्षित हो, ताहि से दोनों के संबंध एक व्यापक क्षितिज पावत है। कहल जाते है जे जनसंचार करे वाला पत्रकारिता आत्मनिवेदन नहीं करे कह सकते है, ई आत्मनिवेदन साहित्य के सेहो जनसंचारक सामग्री बना के आगू आबे के लिए विवश करत है। साहित्य कर्म मूलतः आत्मनिवेदनात्मक आत्मगत कर्म छै, जकरा जनसंचारक लेल मीडिया पर निर्भर रहे पड़त है। मीडिया के बिना साहित्यिक स्थिति बौकक शक्कर जना भ जात है आ साहित्यक वाचन में या लेखन में आवत मीडिया के चक्र में दाखिल हो जात है। हम अही आलेख में तीन मुख्य बिंदु पर गौप करब, पहलुक मीडिया समाज, दोसर साहित्य समाज आ तेसर मीडिया साहित्य के परस्पर संबंध। मीडिया समाज समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, स्वांग, नाटक, बैनर, पोस्टर, पंपलेट, संभाषण, लोक गायन, विज्ञापन, सेमिनार, चित्रकला आदि के रूप में प्रदर्शित होते है आ एहि माध्यम से लोक जागरण का काज करल जात है। जन जागृति करब मीडिया के सबटा माध्यम उद्देश्य है, ताहि से सरदेन्दु चौधरी अपन पोथी मैथिल पत्रकारिता दशा और दिशा में कहते हैं जे पत्रकारिता के काज हो समाजक साकांक्ष राखब, नीक बाट पर लौ जेबाक मार्गदर्शन करब,
त्याज्य अथवा खराब काज नहीं करवा आ नीक काज करवाक लेल प्रोत्साहित करो। समाज में पसर रहल ईर्ष्या द्वेष सांप्रदायिकता जातीयता आदि के चातुर्यपूर्ण ढंग से विरोध करैत समाज में सौहार्द बनाओ ने राखब। शिक्षा स्वास्थ्य आ समाज उपयोगी सब सुविधा बहाल रहे ताहि हेतु माहौल बनायब आ जनोपयोगी विषयक संचालन देखरेख ठीक से ढंग से भ रहल अछि वा नहि ताहि पर नजर राखैत ओही विषय वस्तु के प्रति जनमानस के आकृष्ट करब। मीडिया समाजक वातावरण के मापे वाला मापक या समाजक दूरबीन कहल जा सकैत अछि। मीडिया लोकक मौन मुखर का अभिव्यक्ति देवा काज करैत अछि। मीडिया लोक संसद होइत अछि जतय विचार विमर्श लगातार होइत रहैत अछि। मीडिया सत्ता से संघर्ष करैत अछि, सत्ता के आईना देखबाक काज सेहो करैत छै। ताहि से लॉर्ड मैकाले मीडिया के चारिम खम्भ के नाम देने छला। नेपोलियन जते के सेना से सेना के बटालियन से नहीं डराइत छल, ओकरा से बेसी ओ अखबार से डराइत छल। समाजक लेल मीडिया बड़ जरूरी अछि। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जेफरसन एक बेर कहने छला जे जो हुनका ई निर्णय लेबाक लेल कहल जाए जे ओ एहन सरकार के पसिन करब जाहि में प्रेसक कोनो स्थान नहीं हुए या फिर खाली समाचार पत्र टा हुए, तो हुनकर जवाब छल जे ओ सरकार नहीं समाचार पत्र के चुनब। अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी सेहो बाजल छला जे जनतंत्र में मतदाता के अज्ञान सबटा सुरक्षा के संकट में दौ दैत छै। ताहि से मीडिया आवश्यक छै समाजक लेल। अहि ले मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय सुकांत सोम लिखने छला, साहित्य खूब लिखल गेल, खूब छपल, पोथी बिकबो कयल, मुदा साहित्य पत्रकारिता नहीं ठीक। समाज पहिने घटना जानय चाहैत छै, ओकरा पढ़ैए, ओहि पर अपन सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया दैत अछि। सुकांत सम आगू सेहो लिखैत छै जे साहित्य तऽ बाद में पढ़ैए, ओकरा गुणला के बाद बुझैए, तैं पत्रकारिता सूचना दैत छै, ज्ञानक विस्तार करैत छै। पत्रकारिताक सबसे सहज परिभाषा छै जर्नलिज्म इज ए हिस्ट्री रिटन इन हरी एंड बाउंड टू कमिट्स मिस्टेक। सुकांत सोम सेहो कहैत छै जे एहि परिभाषा के स्वीकार करितो एतबे तक कहल जा सकैत छै जे पत्रकारिता अज्ञानता सूचनाहीनता बोधहीनताक अन्हर जाल के चिड़ी चोट करैए, तैं पत्रकारिता हमर अकट अछि, हथियार अछि। समाज आ साहित्य, साहित्य संस्कृति संस्कृत संस्कृतक शब्द सहित से बनल अछि। संस्कृतक विद्वान अनुसारे साहित्यक अर्थ होइत अछि हितेन सह साहित्यस्य भवः, अर्थात कल्याणकारी भाव। कहल जा सकैत अछि जे साहित्य लोक कल्याणक लेल सृजित कयल जाइत अछि। साहित्यक उद्देश्य मनोरंजन टा करबाक नहि अछि, अपितु एकर उद्देश्य समाजक मार्गदर्शन सेहो करबाक अछि। 20वीं शताब्दी के हिंदी प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के जनताक चित्त वृत्ति के संचित प्रतिबिंब मानैत रहैत। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य के ज्ञान राशिक संचित कोष कहने रहैत। पंडित बालकृष्ण भट्ट साहित्य के जन समूह के हृदयक विकास मानैत छला। साहित्य में मानवीय भावना आ जीवनक प्रसंग व मानवीय संबंधक चित्रण होइत छै। साहित्य अपन साक्षात्कर्ता यानी दर्शक श्रोता आ पाठक के समतुल भाव से रसास्वादन कराबैत छै। साहित्य हमर सबक मनोवृत्तिक परिष्कार करैत व्यापक समाजक संग लोक के असंपृक्त करैत अछि। हमर सबक जीवन में सेहो परिवर्तनक दिशा में सांकेतिक करैत जीवनक दिशा आ दिशा के प्रेरित आ उन्मुख करैत अछि। प्रमोद कुमार पासवान अरुणिमा 2019 में समाज आ साहित्य नामक आलेख में लिखैत छथि कि समाज जो शरीर छै तऽ साहित्य ओकर आत्मा, साहित्य बिनु समाज जीवि नहि सकैत अछि आ साहित्यक अछैत समाज किछु करियो नहि सकैत अछि। दुनू में एकटा अभेद भाव एक अविच्छिन्न संबंध छै। साहित्य ठीक जीवनक व्याख्या ओकर विश्लेषण एवं समाज जीवनक संगठित स्वरूप कोनोटा साहित्य पर ओहि समय के गुण अथवा दोष छाप अंकित छै।
कोनो कालक साहित्य जो उल्टा के देखल जाए तो वही पर वही समयक वही समाजक मनोवृत्ति प्रचलित सोचक प्रभाव पायल जात छै। साहित्यकार के समाजक छायाकार आ चित्रकार सेहो कहल जात अछि। एकर कारण ई अछि जे साहित्यकार अपन कृति के समाज में चल रहल मान्यता आ परंपराक वर्णन द्वारा सजबत अछि। ताहि सँ साहित्य आ समाजक अन्योन्याश्रित संबंध प्रत्येक देशक साहित्य में देखबाक भेटैत अछि। कबीर अपन समयक आडंबर सामाजिक कुरीति आ मान्यताक विरोध में आवाज उठेलक। प्रेमचंदक रचना में गरीबी आ समाजक विषमता खूब देखा पड़ैत अछि। राजकमल चौधरी के रचना में सेहो समाजक रिपोर्टिंग खूब भेल अछि। एकरा से कुछ समय पहले जाए तो कवि वाल्मीकि के पवित्र वाणी आइयो हमरा सबक हृदयक मरुस्थल में मंजू मंदाकिनी प्रभावित कऽ दैत अछि। गोस्वामी तुलसीदासक अमर काव्यक वर्णन कतेक रास विद्वान केने अछि, ई किनको से नुकायल नहि अछि। ताहि से साहित्यकार के समाजक प्राण कहल जात अछि। समाज में रह के समाजक रीति नीति धर्म कर्म अव्यवहार वातावरण से प्राप्त कऽ रचना के लेल प्रेरणा ग्रहण करैत अछि आ लोक भावनाक प्रतिनिधित्व सेहो करैत अछि। साहित्य वह जे लोक कल्याणक भावना के संग अलग अलग विचारधारा जीवन मूल्य सांस्कृतिक प्रतीक प्रतिमान कला आ लोक इसना सभक समन्वयीकरण संरक्षण संवर्धन संप्रेषण आदि के दायित्व करैत सांस्कृतिक आ सामाजिक संदेशक आदान प्रदानक माध्यम होइत अछि। ताहि से ई कहबा में कोनो संकोच नहि जे समाज में जेहन भावना आ विचार होयत तहिना तात्कालिक साहित्य सेहो होयत। सामाजिक गतिविधि आ समाज में चले आयल परंपरा सबसे समाजक साहित्य अवश्य प्रभावित होइत अछि। साहित्यकार समाजक एकटा जागरूक प्राणी होइत अछि। ओ समाजक सब मामला के बड़ गंभीरता से देखैत अछि आ ओहि पर विचार सेहो करैत अछि आ ओकर बाद ओकरा अपन साहित्य में उतारैत अछि। साहित्य विमर्शक दायरा बड़ पैघ होइत अछि। गाम शहर के गरीब स्त्री विधवा स्त्री जाति तक मारि खाय वाला लोक समाज के बहिष्कृत लोक नेना भुटका बूढ़ पुरना आदि साहित्यक विमर्श में आबैत अछि। समाज के मान्यता तखने भेटैत अछि जखन ओ विभिन्न वर्गक समन्वय आ सद्भाव के गप करैत अछि। तैं नैतिक मूल्य से आबद्ध साहित्यकार केवल ओहि लेल काज नहि कऽ सकैत अछि जे सिर्फ उनका प्रचार भेटै वा सत्ता प्राप्त हुए या मनुखक आदर्श विपरीत हुए। मीडिया आ साहित्य केर परस्पर संबंध। मीडिया के लेल साहित्य जरूरी नहि अछि आ साहित्य मीडिया से परहेज करैत अछि, मुदा मीडिया में सदिखन सनसनी खोजबाक व्यग्रता होइत अछि, मुदा साहित्य में सनसनी जेहन किछु नहि होइत अछि। मीडिया में सब कुछ चलैत आ बदलैत रहैत अछि, मुदा साहित्य में बदलाव नहि के बराबर होइत अछि। कहि सकैत छी जे साहित्य परिवर्तन से अलग साहित्यक दुनिया सिमटल रहैत अछि। साहित्य समाज में बदलाव हेबाक गप तऽ करैत अछि, मुदा अपन भीतर कोनो तरह के बदलाव अनबाक कोशिश नहि करैत अछि। दुनू के द्वंद एहि गपक अछि जे मीडिया जेहन तेजी से चलैत अछि साहित्य ओहि तेजी से नहि चल सकैत अछि, साहित्य के ओ कोशिश सेहो नहि होइत अछि। प्रोफेसर भीमनाथ झा घर बाहरक अप्रैल जून 2012 में लिखैत छथिन जे पानि ढरबाक सबसे पैघ स्रोत पत्र पत्रिका समकालीन लेखकक रंग बिरंगी झांकी सबसे पहिने यह प्रस्तुत करैत अछि। साहित्योक सबसे व्यापक मंच यह थी। सुकांत सोम सेहो लिखैत छथिन जे मीडिया हुए वा साहित्य दुनू के काज समाज के सचेत करब भविष्यक दिशा में सार्थक रूपेण आगा बढ़वाक लोकक लेल रहैत अछि। दुनू के उद्देश्य होइत अछि समाजक विकास आ समाजक कुरीति बंधन से मुक्त चेतना जगायब। ओना ओ घर बाहर अप्रैल 2016 के अंक में लिखने छला मैथिली में पत्र पत्रिका के प्रकाशन के पाछा एकटा विचार साहित्य में तात्कालिक जड़ता के तोड़ नवता के बाट तैयार करब रहल के दोसर आंदोलनी विचार आ सक्रियता में सेहो मंच प्रदान करब। मुदा आजुक परिवेश में मीडिया से साहित्य गायब हो गेल अछि, जखन कि साहित्य के समृद्ध करे में समाचार पत्र बड़ महत्वपूर्ण भूमिका रहल अछि। आज तमाम भाषा के समाचार पत्र संग दोसर मीडिया प्लेटफॉर्म साहित्य से अपना के दूर कऽ लेने अछि। सुधीश पचौड़ी अपन पोथी 21वीं सदी के पूर्वरंग में लिखने छथि जे जखन धर्मयुग
3 लाख से किछ ऊपर बिकायत छल तखनो ओकरा में एक वा दूटा खिस्सा 2-4 गीत आ कविता सेहो होइत छल। मैथिली में समाचार विचारक पत्र श्रेणी जकरा मुख्य धारा के पत्रकार मानल जायत अछि ओहिमे साहित्यक सीमा स्वीकार करैत डॉक्टर लक्ष्मण झा के मिथिला, विजयकांत ठाकुरक मिथिला टाइम्स आ विनोद कुमार झा के देशकोश सुनिश्चित आग्रह के संग बाहर भेल। मुदा देशकोश के मैथिल के पहिल समाचार विचारक मासिक पत्रिका कहल जायत अछि, मुदा ओहियो में प्रकाशित होइत छल कविता आ निबंध। कर्णमृत के सबक अंक एवं कवि में कविता, काव्य, निबंध, पोथिक समीक्षा, यात्रा, संशोधन आदि विधा में प्रचुर मात्रा में रचना प्रकाशित होइत अछि। पिछला 50-60 वर्षक अंतराल में आखर, सन्निपात, अग्निपत्र, शिक्षा, आरम्भ, संधान, अंतिका आदि किछु पत्र जरूर अछि जे साहित्यिक पत्रिका में अपन लोहा मनबैत अछि। हिंदी आ अंग्रेजी भाषा में बड़का साहित्यकार बड उच्च कोटि के पत्रकार सेहो रहल अछि आ पैघ पत्रकार सेहो उच्च कोटि के कलमकार। हुनका लोक ई अंतर करबा कठिन होयत जे अमुक लोक पत्रकार बड़का छला वा साहित्यकार। वैश्वीकरण साहित्य के उत्तर आधुनिकता के जाल में फंसा देलक, ओतय मीडिया के मिशन से हटा के प्रोफेशन दिस भटका देलक। विज्ञापन आ बिक्री दुनू विधा के अनिवार्य शर्त बना देल गेल। सदिखन मीडिया साहित्य से अपेक्षा करल जायत अछि जे वो एक संग मिलकर एकजुट हो लोक जागरण संधान करे। धर्म, बाजार आ पूंजी समाज में मीडिया समाज के विवेकीकरण से बचावत अछि, जबकि साहित्य अपन पाठक श्रोता के विवेकीकरण पर जोर दैत अछि। शक्तिशाली सत्ता मनुखक विवेक आ बुद्धिमान हेबाक से घबरायत अछि आ ओकर कोशित होइत अछि जे मनुखक सोच आ ओकर विचार पर हमला कैल जाय। एकरा लेल ओकर दिल दिमाग के अनुकूल करैत ओ ओकरा अपन तरह सोचबाक लेल बाध्य करैत अछि। एकर विरोधक प्रतीक मीडिया आ साहित्य दुनू अछि। परिवर्तन पहिने विचारक रूप में जन्मैत अछि, बाद में साहित्यिक माध्यम से लोक चेतना के हिस्सा बनैत अछि। मीडिया ओहि विषय के जन आंदोलन में बदलै के क्षमता रखैत अछि जाहि से परिवर्तन होइत छै। ताहि से विक्टर ह्यूगो कहने रहैत जे विचारक समय आबि गेल अछि, ओकरा दुनिया के कोनो ताकत रोक नहीं सकैत अछि। ताहि से कहल जायत अछि जे सर्वोत्तम पत्रकारिता साहित्य अछि आ सर्वोत्तम साहित्य पत्रकारिता अछि। बर्नार्ड शॉ सेहो कहने छल जे नीक आ प्रशिक्षित पत्रकार साहित्यकार से अलग नहि होइत अछि। अंततः हम कहे लेल चाहैत छी जे मीडिया आ साहित्यक बीच एकटा अंतरंग संबंध अछि। ई एके सिक्का के दूटा पहलू मानल जायत अछि आ एक दूसरा के प्रेरक आ पूरक बनकर देश आ समाज हितक ढेर रास काज में अपन योगदान दैत रहैत अछि। साहित्यकार आ पत्रकार दुनू शब्द ब्रह्मक आराधक होइत अछि आ अपन लेखनी के सत्य आ सार्थक प्रयोग करैत समाजक हित आ संपादनक गुरुतर भार सम्हारैत अछि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विनीत उत्पल जी। अब हम सुनेंगे दूसरा आलेख सचिदानंद सचू जी से, मैथिली मीडिया क साहित्यक दृष्टि। लेकिन इसके पहले इनका परिचय सभी दर्शकों को करना चाहता हूँ कि मैथिली और हिंदी भाषाओं में प्रमुख युवा लेखक सचिदानंद सचू जी ने कई किताबें प्रकाशित किया है, उनमें से अल्लाह हो राम प्रमुख है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विविध स्थानों में कार्य कर चुके हैं। भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय द्वारा जूनियर फेलोशिप हासिल करने के बाद मैथिली वेब पोर्टल मिथिला मेल का संपादन कर रहा है। अब मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी शोधालेख प्रस्तुत करें। श्रीमान सचिदानंद सचू जी, आप अपनी ऑडियो का अनम्यूट कर लीजिए। पहले ऑडियो का अनम्यूट करें। संगठन के प्रणाम, आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ जी। सुरेश बाबू, आदरणीय सुरेश बाबू, अशोक जी, विनोद बाबू, विभा दीदी, संगठन के प्रणाम। पत्रकार के जन्म से कोई साहित्य क्षेत्र पर एक लाभ विकास होता है। पत्रकार
उपलब्ध है। पत्रकारिता में साहित्यक अपेक्षा सामाजिक यथार्थ यथार्थक प्रयोग प्रचारात्मक दृष्टि से बेसी कल विश्वसनीयता तो बढ़त मुदा बात मात्र प्रचार धरि सीमित रह जाते हैं। जब बात मात्र समाचार धरि सीमित रह जाए तो पत्रकारिता देश पूर्ण नहीं होते। संबंध महत्वपूर्ण कवि आ चर्चित पत्रकार रफीर साय कहे जो पत्रकार मात्र सूचना जमा कर सजा देते कथाकार आ कवि के समान असफल जो मात्र भावना जमा कर सजा देते। रघुवीर सहायक दृष्टि में पत्रकारक काज मात्र सूचना देव नहीं होते। एक सजग पत्रकार के सामाजिक तथ्य के सामने लेवाक संग संग नीक आ बेजाय के दर्शेबा काज सेहो होते संगे सामाजिक तादात्म्य के ध्यान राखब होते। जब पत्रकारिता के व्यापक परिदृश्य में देखी तो सूचना क्रांति के युग में पत्रकारिता बेस बलशाली भेल अछि, मुदा बलशाली भेल पत्रकारिता से साहित्यिक दृष्टि हेंट भ गेल अछि आ भेल जा रहल अछि। प्रायः यह कारण है जे एहि कोरोना काल में आंकड़ा के भयावहता आ आम जनमानस के डरा रहल है। लोग टीवी आ आन प्लेटफॉर्म पर एवं से एहि दुआरे डर रहल छथि जे ओतय मात्र परेशान आ विचलित करय वाला सूचना सब आबि रहल अछि। अस्पताल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन के कमी है, दवाई नहीं भेट रहा है, इस बात के आम जनता के घोर के पिया देल गेल है, मुदा इस बात कतौ से नहीं आबि रहा है जे कोन अस्पताल में बेड खाली है, ऑक्सीजन भेट कतौ रहा है, दवाई या अन्य मेडिकल उपकरण कालाबाजारी भ रहा है, इस बात सबके बुझल है, मुदा इस कालाबाजारी के कह रहा है आ कोना कह रहा है इस बतौनियार कोई नहीं है। हमरा बुझने बलशाली भेल पत्रकारिता की स्थिति एहि दुआरे भेल छै किएक तो ओतय साहित्यिक दृष्टिक अभाव छै। बलशाली भेल मीडिया लग जा आ ई दृष्टि रहत तो ई आम जनमानसक लेल बेस उपयोगी सिद्ध होत। एहि समय हमरा रघुवीर सहायक ई गप प्रासंगिक बुझाइत अछि जे समाचार वएह टा नहि होइत अछि जे हमरा चुकबैत अछि, समाचार इहो होइत अछि जे लोक के भरोस दैत अछि, ओकरा हिम्मत बनबैत अछि। एकर विपरीत जब मैथिली पत्रकारिता गप करी तो मैथिली पत्रकारिता आइयो साहित्यिक दृष्टि से ओतप्रोत अछि। एकर कारण इहो भ सकैत अछि जे मैथिली में वएह लोकनि आइ धरि पत्रकारिता करैत रहला अछि जे कवि साहित्यकार छथि। ई क्रम प्रिंट माध्यम से ल डिजिटल माध्यम धरि चल रहा है। एक इहो कारण है जे मैथिली पत्रकारिता अखन धरि व्यावसायिक रूप में नहीं आबि सकल अछि। अतः कोनो कॉर्पोरेटक दबाव नहीं अछि, फलस्वरूप मैथिली पत्रकारिता में हमरा अखन धरि साहित्यिक दृष्टि कोनो अभाव नहीं बुझना जात अछि। अतः मैथिली पत्रकारिता अखन धरि लोक के विचलित करबाक आरोप से सेहो बाचल अछि। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यद्यपि एहन एकाध गोटे छथि जे ने तो कवि छथि आ ने साहित्यकार, मुदा वो पत्रकारिता कर रहल छथि, मुदा साहित्यिक व्यक्ति ने भेलाक बाद ई कहब अनुचित हैत जे हिनका लग साहित्यिक दृष्टि छैन आ ई सब एहि दृष्टिक संगे मैथिली पत्रकार रहल छथि। एकटा एहन काज जे मैथिली पत्रकारिताक लेल संभावना जगबैत अछि ओना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेहो पाठकक लेल संघर्ष कर रहल अछि, मुदा एहि सभक बीच किछु एहन प्लेटफॉर्म छै जे आइ आम लोक भेट रहल छै। मैथिली पत्रकारिता संगे संगे ई समस्या रहलै जाहि समस्या समाजक समस्या के उठबैत रहल ओहि लोक धरि ओ पहुँचबा मे असफल सिद्ध होइत रहल। जँ कोनो पत्रकार ओहि लोक धरि पहुँचबो कयल तो ओकरा लेल एको रंगक बेलना ओकरा बेलऽ पड़तै। प्रिंट माध्यम में संपादन मुद्रण से ल वितरण धरिक जे व्यवस्था रहल ओ कठिनाह रहल। मैथिली में जे पत्र पत्रिका भरात रहल अछि ओ सीमित साधन से भरात रहल अछि। किछ उत्साही लोक सब द्वारा अपन घरक आटा गील कऽ मैथिली पत्रकारिता के आगू बढ़ेबाक प्रयास पहिनहु होइत रहल आ आइयो भ रहल अछि। एहि सभक बीच डिजिटल माध्यम मैथिली पत्रकारिताक लेल एकटा अपार संभावना लग उठाबै छै। एहि प्लेटफॉर्म पर जँ साहित्यिक दृष्टि से काज कयल जाय तऽ निश्चित रूप से मैथिली पत्रकारिता एकटा नव मुकाम हासिल करत। आइ किछु मैथिली यूट्यूब चैनल आ वेब पोर्टल लाखो लोक धरि पहुँच रहल अछि, लाखो लोकक बीच लोकप्रिय अछि, मुदा लोकप्रियताक बादो आम लोकक बीच ई कोनो भरोस नहि उत्पन्न कऽ सकल अछि। ओना ई समस्या अखन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब तरि छै, सब भाषा में छै, मैथिली मीडिया में तो छैहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न भाषा में हजारों यूट्यूब चैनल आ वेब पोर्टल चल रहल अछि, एहि सभक पाछू हमरा साहित्यिक दृष्टिकोणक अभाव बुझना पड़ैए। जाहि भाषा में साहित्यिक दृष्टिकोणक संगे वेब पोर्टल आ यूट्यूब चैनल
चैनलक संचालन भ रहल अछि ओतय ओ पाठकक आ दर्शकक भरोस सेहो जीतने अछि। एहि मामला मे अखन मैथिली मे शून्यता के स्थिति अछि। ई सौभाग्य अखन लाखो सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल के सेहो नहि भ सकलन हँ। यद्यपि किछु कम सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल आ वेब पोर्टल सब रचनात्मक पत्रकारिता कऽ रहल छथि, हिनकर सभक रचनात्मक प्रयास सफल सेहो भ रहल अछि आ हमरा भरोस अछि जे ई सब यूट्यूब चैनल आ वेब पोर्टल जल्दिए लोकक भरोस जीत कऽ लाखों करोड़ों लोक धरि पहुँचता। हमरा बुझाइए जे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जहन साहित्यिक दृष्टिकोण सँ काज कयल जाय तऽ फेक न्यूजक चलन पर स्वतः रोक लागत। मैथिली पत्रकारिता व्यवसाय नहि रह सकल अछि। कोनो मीडिया घराना एहिठाम पूंजी निवेश नहि कयलक तैं पत्रकारिताक विकास संभव नहि भऽ सकल। पत्रकारिताक विकासक लेल एतय किछु प्रयास हेबो कयल तऽ साधन विहीन हेबाक कारणे असमय जयपुर से प्रकाशित हुआ पत्रिका मैथिली हित साधन हो वा बुध हो मिथिला मिहिर हो वा आयध आय प्रकार पत्रिका सब में मिथिला दर्शन घर बाहर जखन तखन भारती मंडन आ पत्रिका सब साहित्यिक पत्रकारिता कर रहा है। यद्यपि ऐसा पत्रिका में मुद्दा प्रमुखता जगह पबैत रहल अछि, आइयो ई पत्रिका सब मिथिला मैथिली विभिन्न मुद्दा के उठबैत रहल अछि आ समाज के जागरूक करबाक काज करैत रहल अछि। जैकि ई सब पत्रिका केन्द्र मैथिली साहित्य के विकास रहल अछि तैं एहि सब पत्रिका के साहित्यिक दृष्टि सँ हेठ हेबाक कोनो प्रश्न नहि उठैत अछि। दिसम्बर 2012 मैथिली में मिथिला आवाज नाम सँ दैनिक पत्रक प्रकाशन शुरू भेल। ई पत्र मैथिली एकटा उम्मीद बनि पायल। एहि पत्रक प्रकाशन सँ मुजफ्फरपुर सँ प्रकाशित हुआ वाला हिंदी अखबार सब सेहो साकांक्ष भेल। एहि पत्रक संपादकीय टीम सँ बेसी कवि साहित्यकार जुड़ल रहल। शुरुआत में साहित्यिक दृष्टि संगे एतय किछु विनोद सब भेल। मिथिला आ मैथिलीक समस्या सब प्रमुखता सँ स्थान पबैत रहल। फलसपुर सँ प्रकाशित वाला हिंदी अखबार सबके इहो बुझेले जे आब एहि मुद्दा सबके दैनिक बिना काज नहि चलत। हिंदी अखबार सब में सेहो मिथिला मैथिलीक प्रमुख मुद्दा प्रमुखता सँ जगह पबैत रहल। ई मुद्दा सब स्थानीय अखबार सबक सुर्खी बनैत अछि। मिथिला आवाजक ई साहित्यिक दृष्टि छल जकर प्रभाव में स्थानीय हिंदी सेहो आयल। यद्यपि ई अखबार आपसी खींचतान गुटबाजी आदि भेंट चैट अल्प अवधि बंद भ गेल। आपसी खींचतान गुटबाजी आदि कारण एहि अखबारक कंटेंट में गिरावट कंटेंट पाठकक भरोस नहि जीत सकल। मैथिली मीडिया शुरुआत से दृष्टि से ओतपोत ओत रहल अछि। एकर इहो कारण अछि पत्रकारिता कलन वा कऽ रहल छथि जे साहित्यकार छथि। मैथिली में अखन सार माध्यमक विकास है बाकी अछि। फलस्वरूप साहित्य सीमित साधन आ साहित्यिक पत्रकारिता करैत रहल अछि। ओना पत्रकारिता महज एकटा नागरिक दायित्व नहि अछि अपितु रचनात्मक दायित्व सेहो होइत अछि। पत्रकारक सेहो जे काज पत्रकारक होइत अछि दुनू अंतर इएह होइत अछि जे अहाँक अगल बगल में जे भऽ रहल अछि ओकरा फेर सँ गढ़बाक छूट नहि रहैत अछि। वास्तविकताक वर्णन में भले पत्रकार लग साहित्यकार जकाँ एके रहैत अछि। आन भाषा समय पत्रकारिता आब मिशन नहि रहि कऽ व्यवसाय बनि चुकल अछि। मैथिली में ई अखनो मिशन अछि, एकटा एहन दृष्टि सँ ओतप्रोत अछि। पत्र व्यवसाय बनि जाइ छै तऽ बहुत रास दुर्गुण सब सेहो अबै छै। आन आन भाषा में चलि रहल पत्रकारिता में निश्चित रूप से ई दुर्गुण सब सेहो एलैया। मैथिली पत्रकारिता एखन धरि ओहि स्तर धरि गेबे नहि कयल तऽ स्वाभाविक छै जे ई ओहि दुर्गुण सब सेहो अखन धरि बाँचल अछि। मुदा मैथिली मीडियाक विकासक लेल ई आवश्यक अछि जे साहित्यिक दृष्टि संगे व्यावसायिक दृष्टि आन आन भाषा में पत्रकारिता के व्यवसायीकरण से उत्पन्न भेल स्थिति परिस्थिति के अध्ययन का हमरा सब के मीडिया में साहित्यिक दृष्टि आ व्यवसायिक दृष्टि के बीच संतुलन बना मैथिली मीडिया के विकासक लेल काज करक चाहिए। मीडिया में साहित्यिक दृष्टि आवश्यक अछि किएकि तऽ साहित्यिक दृष्टिक सहारे हम पाठकक भरोस जीत सकैत छी। साहित्यिक दृष्टिक सहारे सामाजिक परिवर्तन के साकार कयल जा सकैया। मात्र हत्या बलात्कार लूट सनक खबर परसि कऽ कहियो नहि तऽ पाठकक भरोस जीतल जा सकैया आ नहि सामाजिक परिवर्तनक गप कयल जा सकैया।
जी पूरा हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद सच्चू जी। अब हम सुनेंगे तीसरा आलेख रुपेश चौधरी जी, समकालीन साहित्यक अपेक्षाक कसौटी पर मैथिली मीडिया, इस विषय पर आलेख प्रस्तुत करेंगे रुपेश जी। श्रीमान रुपेश जी मैथिली साहित्यक जगत में युवा कवि, स्तंभकार तथा संपादक रूप में अब तक दो कविता संग्रह, दो संपादक किताबें लिख चुके हैं। आपने व्यंग्य साहित्य और वेब पत्रकारिता पर कई शोध आलेख लिख चुके हैं। मैथिली धारावाहिक काव्य गोष्ठी आकाशतर 22 की के संस्थापक संचालक है। आपको नव हस्ताक्षरक पुरस्कार, नव आयाम प्रतिभा सम्मान आप तक प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी शोध आलेख प्रस्तुत करें। श्रीमान रुपेश थोड़ी जी रुपेश जी जी हाँ प्रश्न, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। एक महत्वपूर्ण परिसंवाद में शामिल समस्त गोटे के हमार प्रणाम। हमर जे विषय है आजू समकालीन साहित्यिक अपेक्षा कसौटी पर मैथिली मीडिया, मीडिया एकर सोझ अर्थ होइ छे माध्यम। एहिठाम ओहि माध्यम के ल चर्च कर रहल छी जे साहित्यिक वैचारिक विषय वस्तु ओ सूचना आदि के संचार करैत अछि। कखनो काल एही विषय वस्तु सबके संरक्षित सुरक्षित रखबा लेल सेहो मीडिया उपयोगी होइत अछि। कहि सकै छी जे मीडिया एहन प्लेटफॉर्म अछि जे आखर शब्द से लो साहित्य के अपन विशाल पटल पर पल्लवित होबाक पसरबाक अवसर दैत अछि। भाषाक वाचिक आ लिखित स्वरूप साहित्य होइत अछि। प्राचीन काल में जखन साहित्य मौखिक रूप से संचारित छल, मीडिया तखने से साहित्यक सहचर रहल अछि। जखन लिखबाक चेष्टा शुरू भेल तो कखनो पत्ता, शिला, कपड़ा, कागज आदि नाना प्रकारक माध्यम अपनाओल गेल। एहि क्रम में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब धरि अब मल्टीमीडिया युग में हमसब आबि चुकल छी। एहि प्रकारे मीडिया सतत प्रगतिशील परिवर्तनशील रहल अछि। समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि के संयुक्त रूप से मीडिया कहल जाइत अछि। एहि वाले सूचना भंडारण संचारण कहल जाइत अछि। समाज में मीडिया के भूमिका विशेष रूप से संवाद वाहक के होइत अछि। ओ व्यक्ति, वर्ग, संस्था, सत्ता, जनसमूह के मध्य ब्रिज के काज करैत अछि। प्रिंट के सुविधा होते पत्र पत्रिका माध्यम से मीडिया के स्वरूप स्पष्ट रूप से सोझा आयल। शुरू में पत्रकारिता आप फलक व्यापक विस्तारित भेने मीडिया कहल जाय लागल अछि। एहिमे प्रिंट, दृश्य, श्रव्य आदि सब वस्तु शामिल होइत अछि। पत्र पत्रिका जखन शुरू भेल छल तेकरा सत्ता आ जनता दुनू पक्षक लोक अपना अपना हिसाब से उपयोग कयलनि। आरंभिक दौर में एक बड़का क्रांति लेने आयल छल। तहिया पत्रकारिता एक पृथक विधा, एक पृथक पेशा रूप में नहीं चिन्हल जाय छल। बेसी भाग साहित्यकार पत्र पत्रिका निकाले छला, पत्रकारिता करे छला। कालांतर में पत्रकारिता के फलक बढ़त गेले आ एक फराक विधा, एक पेशा दिस बढ़त गेल। किंतु साहित्यकारिता आ पत्रकारिता तेना एक दोसर से जुड़ल अछि जेकरा फराक के विवेचित करब बड़ महीन काज अछि। तैं
एकरा एके सिक्काक दुनू पीठ सेहो कहल गेल अछि। पत्र पत्रिका सामग्री जे मात्र सूचना रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करैत अछि ताहि अतिरिक्त दृष्टि सम्पन्न विषय विवेचना आलेख संपादकीय आदि अनेक वस्तु साहित्य कोटि में आबि जाइत अछि। ओतै साहित्यिक रचना जेना कथा कविता उपन्यास नाटक आदि जे पत्र पत्रिका में छपैत अछि तकरो ई माध्यम विशाल जनसमूह धरि पहुँचा ओकर सार्थकता के बल प्रदान करैत अछि, ओकरा बढ़बैत अछि। एहने कारण जब रहल अछि जे मैथिलीक साहित्यकार लोकनि समानांतर रूप सँ पत्रकार रहल छथि, ई एकटा ट्रेंड रहल अछि जाहिमे सुरेंद्र झा सुमन, प्रबोध नारायण सिंह, सुधांशु शेखर चौधरी, कीर्ति नारायण मिश्र हमरा लोकनि संग परिसंवाद में शामिल छथि, पूजनीय उदय नारायण उदयचंद झा विनोद जी, रामानंद झा रमन, ओहि पारक नाम शामिल करी तऽ राम भरोस कापर भ्रमर, शिव प्रसाद यादव, विभूति आनंद, रामलोचन ठाकुर आदि अनेक मूर्धन्य साहित्यकार सलों परिसंवाद में शामिल अजीत आजाद, रूपेश त्यौहान धरि चलैत आबि रहल अछि। साहित्यकार स्वाभाविक रूप सँ पत्रकार होइ छथि आ पत्रकार अपन चेतना चिंतन सँ साहित्यकार बनय दिस अग्रसर होइ छथि। मीडिया साहित्यकार मीडिया साहित्य केर उद्देश्य सेहो समान रहल अछि, दुनू समाज हित लोकहित लेल समर्पित रहैत अछि। साहित्यकार लग कल्पनाशीलता आ व्यापक दृष्टि रहैत अछि जकरा मीडिया उड़ान प्रदान करैत अछि, जन जन धरि पहुँचबैत अछि। साहित्यकार की करैत छथि, जनहित में रचना कयलनि, ओकर विकास ओकर पोषण कयलनि आ प्रसार माध्यम के ओ रचना दऽ देलनि। आब मीडिया रचना के बेसी से बेसी जनता धरि पहुँचेबाक काज में लागि जाइत अछि। जखन कोनो साहित्यकार अपन भूमिका के बढ़बैत मीडिया दिस बढ़ैत अछि तऽ ओकरा अधिक ऊर्जा अधिक मजबूती लगै छै। ई ओ डेग छै जे सब साहित्यकार एतेक जोखिम नहि लऽ सकै छथि। मैथिली सन भाषा में साहित्यिक लोकनि ई जोखिम लैत रहला अछि। मैथिली साहित्यिक लोकनि पत्रिका, अखबार, रंगमंच, रेडियो, सिनेमा, टीवी, सीरियल, इंटरनेट धरिक मीडिया में निमात्र रचनात्मक रूप सँ अपितु नेतृत्वकर्ता रूप में सेहो प्रमुखता सँ सोझा देखल गेला अछि। एहने कारण रहल अछि जे कखनो कऽ व्यंजना करैत लोक देखल जाइ छथि जे मैथिली में साहित्यकारिता बेस भेल अछि, पत्रकारिता खूब कम भेल अछि। भने ई व्यंजना में कहल जाइत अछि एहिमे यथार्थ सेहो सम्मिलित अछि। एतऽ तै पत्रकारिता सँ आधुनिक मीडिया धरि में साहित्य प्रमुखता सँ उपस्थित रहल अछि। बेसी भाग मीडिया साहित्य के संपोषित करैत काज करैत रहल अछि। एहिठाम दू अलग अलग विषय पर हमर युवा साथी लोकनि मीडिया आ साहित्य के संबंध और साहित्यिक दृष्टिकोण पर अपन विचार रखलनि अछि। अब हम अपन मूल टॉपिक समकालीन साहित्य दिस बढ़ै छी तऽ देखै छियै जे साहित्य जहन सृजन होइ छै, सृजन प्रक्रियाक पश्चात खास कर समकालीन साहित्यक जहन बात अबै छै जे ओ परिवर्तनशील समय रहलैए, जनजागरणक समय रहलैए और तकर बाद अभिव्यक्तिक जे एकटा क्रांतिकारी दौर रहलैए ताहिठाम जल्द से जल्द सूचना व साहित्य जनता धरि पहुँचे आ तकर प्रभाव समाज पर त्वरित होय सेहो अपेक्षित रहलै अछि। पहिने देखै छी जे समकालीन जे साहित्यक दौर रहलैए जकरा बीसम शताब्दीक उत्तरार्ध कहिए जे चलिओ रहलै एखन, एहिमे एकटा नवीन प्रवृत्ति देखल गेलै। विशेष कऽ आजादीक आसपास समय से लऽ एखन धरि जे अपन एकटा ओकर जे तेवर रहलैए साहित्यके से तीव्र आ त्वरित लक्षण संग रहल अछि। समकालीन साहित्य नव लेखनक संदर्भ में बेसी प्रयुक्त होइत अछि। समकालीनता एक कालखंड के समस्या सबसँ परिचय करबैत अछि। समकालीन साहित्य कोनो परंपरा के अंध अनुकरण नहि करैत अछि अपितु ओकर समीक्षा समाजक कल्याण लेल करैत अछि। एहन साहित्य में जड़ता के विरुद्ध एकटा विद्रोह देखबा मे अबैत अछि। समकालीनता अनिश्चय सन स्थिति के एक चुनौती जकरा स्वीकार करैत अछि आ ओकर सामना करैत अछि। जेना साहित्य समाजक दर्पण होइ छै, ओ दर्पण मीडिया द्वारा सोझा अबै छै। समकालीन साहित्य के जनसमूह धरि पहुँचबाक काज मीडिया करैत अछि।
मीडिया में सामयिकता एक फैक्टर रहल छे। पत्र पत्रिका के मामला में दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक मासिक द्विमासिक त्रैमासिक छमाही वार्षिक आदि सामयिक संस्करण निकले छे। ओतय रेडियो टीवी इंटरनेट पर सेहो प्रसारण सामयिक रूपे होइत रहल छे। एहि समय अवधि में जन संवाद कायम करबाक लेल रचल साहित्य पाठक देर पहुँचब अपेक्षित। एहि सामयिक मीडिया संचार में समकालीन साहित्य के कतेक पोषण कतेक बल भेटल छे से अनुशीलनक विषय अछि। मैथिली मीडिया केर आरंभ से लो वर्तमान धरि देखै छी त पबै छी जे समकालीन साहित्य संग भांज पुरबाक लेल मीडिया कोनो न कोनो जत्न से प्रस्तुत रहल अछि। 1905 में मैथिल हित साधन मिथिला मोद से शुरू भेल यात्रा मिथिला मिहिर होइत 1955 में स्वदेश दैनिक अबैत अछि त मिथिलाक अभिव्यक्ति जे अभिव्यक्तिक जे अकुलाहट छै तकर प्रतिफल रूप में स्वदेश पत्रिका निकलल छल। स्वदेश अपन दुनू पारी 55 आ 81 में समकालीन साहित्य लेल नव तेवर नव हेज तैयार करबा में महत्वपूर्ण योगदान देलक। सुरेन झा सुमन के संपादकीय चन्नाथ मिश्र के व्यंग्य स्तंभ सहित जीवकांत राम चैतन्य धीरज दुर्गा कुमारी हरिमोहन झा समान साहित्य के अभिव्यक्तिक अवसर दिलक। मिथिला मिहिर साप्ताहिक 1960 दैनिक 1984 मिथिला दर्शन मैथिली दर्शन आखर देश कर्णामृत भारती मंडन अंतिका समयशाल आदि अनेक पत्र पत्रिका समकालीन साहित्य के प्रमुखता से प्रकाशित पुष्पित करैत रहल अछि। 20वीं शताब्दी जखन उत्तरार्ध में समकालीन साहित्य अपन प्रवृत्ति आ तेवर के प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर रहल छल मैथिली मीडिया ओकरा उचित स्पेस उपलब्ध करबैत रहल। ई सत्य छै जे बेसी भाग पत्र पत्रिका अल्पायु भेल मुदा एकटा गेलै त दोसर विकल्प और बेसी उदारता आ प्रतिबद्धता संग अबैत रहलै अछि। समकालीन साहित्य के अपेक्षा पर मैथिली मीडिया कतेक ठार रहल अछि तकर उदाहरण दे मोहन भारद्वाज एकठाम लिखै छै हरिमोहन झा के कन्यादान मिथिला पत्रिका में छपै छल ओकर वर्ष 1 अंक 5 में एकटा अंश सौराठ से जुड़ल छपल छल। सभा में बूढ़ के ब्याह करेबाक नाम पर ठगी के घटना पर आधारित अछि। एहि अंश के नीचा में संपादक अपन टिप्पणी देने छला एहन तरह घटना ओहि समय में भ रहल छलै। संपादक एहि तरह कांड सभक उल्लेख ओहिमे ओहिठाम अपन टिप्पणी में केने छथि। अहाँ देख रहल छियै जे एकठाम समाज में जे चीज व्याप्त छै से सीधा साहित्य मीडिया में आबि रहल छै। चाहे ओ साहित्यिक रचनाक माध्यम से किया नहि होय ओ सीधा आबि रहल छै मीडिया में। तैं ओहि अपेक्षा पर मैथिली मीडिया ठार रहल है। एहिमे कतबो ई बात हमरा लोकनि जोड़ सकै छियै बार बार कहै छियै जे पत्र पत्रिका या मीडिया माध्यम जे छै मैथिली में अल्पायु भेलै। सब चीज के एकटा ने एकटा आयु छै। एकटा कालखंड में यदि कोनो पत्रिका या कोनो अभियान या कोनो माध्यम अपन सेवा दऽ सकलै अछि आ सार्थकता पूर्वक अपन सेवा दऽ सकलै अछि तऽ से एकटा उपलब्धि आ एकटा हमरा लोकनिक ई एकटा निधि अछि। पत्र पत्रिकाक अतिरिक्त अन्य माध्यम जेना दरभंगा रेडियो स्टेशन ऑडियो रूप में समकालीन साहित्य के प्रसारित करैत रहल। ओतहि दूरदर्शन के सौजन्य से सेहो किछु कार्यक्रम टेलीफिल्म देखाओल गेल। एहि कालखंड में मैथिली सिनेमा कम मतलब विशुद्ध साहित्य के पर्दा पड़लक जेकि सस्ता जिंदगी महक सेनूर फिल्म धर अपन शीर्ष पर पहुंचल देखल गेल। गीत संगीत कैसेट सीडी में सेहो समकालीन साहित्यक झलकी देखल जा सकैत अछि। मीडियाक जखन बात करै छी तऽ दृश्य श्रव्य माध्यम पर सेहो उल्लेखनीय काज भेल अछि। पूर्व में श्री अजीत आजाद नेपाल सँ प्रसारित FM चैनल सभक से जिक्र कयलनि हँ। एहन अनेक काज भेलैए जे समकालीन समाज के समकालीन साहित्य के समानांतर रूप सँ मीडिया चाहे वो मीडिया कोनो माध्यम हो ओ ओहिमे साहित्य अबैत रहलैए। आब जखन 21वीं शताब्दी दिस बढ़ै छी तऽ जमाना डिजिटल दिस आबऽ लगलै। एहि काल में हम देखै छी जे घर बाहर समयशाल पूर्वोत्तर मैथिल श्री मिथिला कर्णामृत मिथिमालिनी
मैथिली दर्पण मिथिला दर्शन सहित दर्जन भर से बेसी सामयिक पत्रिका निर्वाह लगातार निकल रहा छल जे समकालीन साहित्य के निमात्र प्रकाशित करै छल अपितु व्यापक विमर्श आ विवेचना सेहो प्रकाशित करै छल। पहिल दशकक अंत धरि मैथिली मीडिया ततेक सशक्त रूप में छल जे सौभाग्य मिथिला टीवी प्रादेशिक दूरदर्शन दरभंगा रेडियो ओहि पार कांतिपुर सँ हेलो मिथिला कार्यक्रम मिथिला समाज दैनिक लगभग सब पारंपरिक मीडिया फॉर्मेट में मैथिली मीडिया अपन बेहतरीन समय से गुजर रहल छल। एही समय इंटरनेट मीडिया सेहो मैथिली में स्थापित होबाक क्रम में छल। साल 2007 में मैथिलीक पहिल ई पेपर ई समाज शुरू भेल। ओतहि साल 2008 में पाक्षिक ई पत्रिका विदेह सहित अनेकानेक प्रयास सोझा आयल। एहिमे विदेह खासकर साहित्य लेल समसामयिक समकालीन साहित्य पर बहुत रास काज एकटा आंदोलन रूप में केने अछि कऽ रहल अछि। ओहि समय मैथिली दैनिक मिथिला समाज केर ब्लॉग ओ ई पेपर सेहो अपडेट होयब शुरू भेल। साल 2010 में साप्ताहिक झलक मिथिला अपन प्रिंट वर्जन और प्रकाशित सामग्री ब्लॉग पर देब शुरू केने छल। एकर 10 अंक एखनो वेब पर सुरक्षित राखल अछि। एकर संगे अनेक खुदरा काज सब वेब पर होइत रहल अछि। एही समय फेसबुक सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैथिली लिखनिहार किछु गोटे के एहिठाम हमरा लोकनि देख सकल छलहुँ। पहिल दशक में एतय ध्यान देबाक बात ई अछि जे एकाधठाम छोड़ि मैथिली में जे मुख्य धारा पत्रकारिता जकरा कहबै रिपोर्टिंग कहबै तकर अभाव देखल जा रहल छल। लेकिन एहि सब प्लेटफॉर्म पर साहित्य प्रचुर मात्रा में छल। तैं समकालीन साहित्य के जे अपेक्षा छै समकालीन साहित्य के जे जरूरत छै जे खगता छै तकर पूर्ति मैथिली मीडिया कोनो ने कोनो रूप में हमेशा करैत रहल अछि। ई एकटा सिलसिला जकां आबि रहल छै। बेसी भाग साइट साहित्य संस्कृति से जुड़ल कंटेंट दै छल। मैथिली मीडिया लेल साल 2012 बेस फलदायी रहल। एहि साल मैथिली दैनिक अखबार मिथिला आवाज अपन वेब संस्करण सेहो निकालब शुरू केलक। एतबे नहि वेब पर समाज माध्यम के मजबूत करैत मिथिला प्राइम जोरदार ढंग से उपस्थित भेल छल। ओतहि 15 अगस्त 2012 के मिथिली मीडिया के औपचारिक शुरुआत भेने मैथिली वेब पत्रकारिता जना अपन एखन धरिक सबसे बेसी हजारी पर देखल गेल। एहिठाम हम ई बात जोर दऽ कऽ कहऽ चाहब जे मिथिली मीडिया जखन वेब पर शुरू भेलै तऽ लगभग हमसब 10-12 टा युवा जे आब नीक साहित्यिक सब ओहिमे से निकलि गेल छै टीम मे सँ से सब एकटा टीम बना कऽ अलग अलग बीट पर समाचार आदि ओहिठाम हमसब प्रकाशित करी। तऽ मैथिली मीडिया मे जे एकटा पूर्वो मे बात उठलै जे एहिठाम कोष के अभाव छै निवेश के अभाव छै तऽ से अभाव कालक्रम में अभाव के कारण या स्थिति परिस्थिति बस अजीत आजाद जी एकरा एहि पर जोर देलखिन जे बेसी भाग प्रयास जे छै से वन मैन शो जकाँ होइ छै। तऽ एखन फिलहाल मिथि मीडिया एहि तरहें चलि रहल अइ लेकिन 8 साल सँ 9 साल सँ एकदम एकटा व्यवस्थित रूप में चलि रहल अइ। दबारि के जेना उल्लेख हेल छल दबारि सबके एक आलेख पर जते खर्च होइ छै ततेक मिथि मीडिया सन पोर्टल के वार्षिक बजट नहीं छे। तो ई एकटा समस्या छे जखन कि मिथि मीडिया के जे सामग्री के गुणवत्ता छे कम सामग्री छे लेकिन गुणवत्ता मैथिली मीडिया में वेब पर डिजिटल मीडिया में से समानांतर रूप से अन्य भाषाई मीडिया के कंटेंट से कम गुणवत्तापूर्ण कंटेंट नहीं छे। लेकिन एहिठाम कोष के अभाव छे सहयोग के अभाव छे लोकक अभाव धीरे धीरे भऽ जाइ छे। एहि कड़ी में वेब पर मैथिली पत्रकारिता में मिथिला मिरर ओ मैथिली जिंदाबाद के उल्लेखनीय काज रहल अछि। ई सब माध्यम लगातार समकालीन साहित्य के प्रकाशित प्रचारित करैत रहैत अछि। मिथि मीडिया 2014 में मैथिली पत्रकारिता वेब पत्रकारिता मैथिली विषय पर संगोष्ठी सेहो आयोजित केने छल जकर सामग्री सब पोर्टल पर छै। सोशल मीडिया के उपयोग जे जखन शुरू भऽ गेलै जेना फेसबुक पर चर्चो एलै यऽ जे डिजिटल माध्यम पोर्टल रहै छै तत संपादक रहै छै रिपोर्ट आबै छै ओकर शुद्धि प्रशुद्धि ओकर
पुनर्लेखन सब होइ छै, पाठक धरि एकटा परिष्कृत सामग्री पहुँचे छै। लेकिन जखन सोशल मीडिया पर कंटेंटक विषय आबै छै तऽ सोशल मीडिया पर यूजर अपन कंटेंट सीधे पब्लिश करै छै जे हुनका मोन मानै छनि। ओहूमे गंभीर यूजर सेहो छथि, गंभीर साहित्यिक लोकनि जे छथि, तऽ ताहि पर ओ लोकनि अपन अपन सामग्री देख कऽ गुणि कऽ तखने दै छथिन। आ सेहो साहित्य निधि हमरा सब लगमे सोशल मीडिया माध्यमसँ प्रचुर मात्रामे अबैया। सोशल मीडिया के अपन विसंगति सब सेहो छै, लेकिन तकर बावजूद हमरा लगमे जे हासिल अछि जे साहित्य सोशल मीडिया माध्यमसँ, तऽ सेहो साहित्य गुणवत्तापूर्ण अछि। आ निश्चय ओ समकालीन साहित्य के बहुत नीकसँ सोशल मीडिया पुष्पित पल्लवित कऽ रहल अछि। जे काल एखनो चलि रहल अछि, कालमे जे साहित्य सृजित भऽ रहल अछि से हमरा लोकनि देख रहल छी, जे ओहिठाम लगातार सोशल मीडिया पर विषय कविता लेख टिप्पणी सब अबैत रहल अछि, आबि रहल अछि। सोशल मीडिया के उपयोग बढ़ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि माध्यमसँ डिजिटल मीडिया मे आन भाषा सब संग कदम ताल करैत मैथिली मीडिया बढ़ि रहल अछि। हमरा लोकनि जखन पत्र पत्रिका, दैनिक पत्र, टीवी एहि सब पर जहन विचार करै छी तऽ मैथिली मीडिया हमरा सबके बहुत दुखित करैत अछि, खास कऽ साहित्यिक साहित्यकारिता जे छै से अहाँके संतुष्ट करत, जे साहित्यिक पत्रकारिता जे छै, साहित्य कतेक आयल छै मैथिली मीडियामे से अहाँके संतुष्टे नहि करत, अहाँके कखनो कऽ उत्साहित आओर गर्वित महसूस कराओत, जे आन भाषाके जे साहित्यिक पत्रकारिता छै या साहित्यकारिता जे छै ताहिके पैरालेल मैथिलीमे साहित्यिक पत्रकारिता छै। लेकिन जे मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म छै, जकरा पत्रकारिता कहबै, जे जकर देशकोश या समयसाल एकर सबके नाम लेल जाइ छै, एहिमे अहाँ मिथिला आवाज जे जाहि तरहक काज केलक, ओहिसँ पूर्व मिथिला समाज जे एकटा दैनिक अखबारके रूपमे एकटा ट्रेंड सेट केलकै, तऽ एहिठाम कहऽ चाहब जे मिथिला समाज जहन शुरू भेल तऽ ओकर पहिल टीम मेंबर हम रहल छी। तऽ ओहिमे हमरा एकटा स्क्रैचसँ एकटा अखबार केना शुरू होइ छै, एकटा मीडिया केना ठाढ़ होइ छै ततयसँ लऽ कऽ, आओर ओ जहन अपन चरम पर छलै तखन तक हम ओ सङ्गे छलहुँ। ओहिमे हमर एकटा कॉलम सेहो अबै छल, तऽ ओ साप्ताहिक रूपसँ एकटा पृष्ठ ओहिठाम देल गेल छलै जतय साहित्य पूरा छपै छलै, बाकी जे पेज छलै आठ पन्ना छ पन्ना जे घटैत बढ़ैत रहलै बादमे आबि कऽ, तऽ ताहिपर अलग अलग क्षेत्रक समाचार टा रहै छलै, फेर सम्पादकीय पृष्ठ जे एकटा डेली न्यूज पेपरके फॉर्मेट हमसब टाइम्स ऑफ इंडिया या अन्य अखबार सबके देखै छियै तेहन पूरा फॉर्मेट छलै, आ सह फॉर्मेट मिथिला आवाज सेहो लऽ कऽ अयलै आ जोरदार ढंगसँ लऽ कऽ अयलै। लेकिन ईसब चीज हमरा लोकनि बचा कऽ नहि राखि सकलहुँ, एकरा चला कऽ नहि राखि सकलहुँ, तकर मुख्य कारण छै जे निवेश नहि अबै छै। निवेशो अबै छै तऽ निवेशक जे होइ छथि से कतेक धैर्यके साथ आबि रहल छथि से अभाव रहलैए मैथिलीमे। बिना निवेशके एकटा टीमके साथ काज करब जे छै से बहुत कठिन होइ छै। अजीत आजाद या श्री ताराकान्त झा या एहन तरहक जे लीड लेने लोकसभ रहला हँ, चाहे अखबार या टेलीविजनमे, ओ लोकनि बुझै छथिन जे की दिक्कत आ की अनुभूति अबै छै। तखन जखन डिजिटल मीडियापर हमसब अबै छी तऽ एहिठाम हम जोर दऽ कऽ कहब जे डिजिटल मीडियामे मैथिली तकनीकी रूपसँ या फेर प्रसारणके हिसाबसँ या फेर कंटेंट गुणवत्ताके हिसाबसँ कतौ कोनो रूपमे पाछा नहि अछि। पाछा अछि तऽ ई मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, साहित्यिक पत्रकारिता आओर डिजिटल मीडियापर बहुत तेजी, बहुत नीकसँ आओर उन्नत ढङ्गसँ भऽ रहल अछि साहित्यिक पत्रकारिता या समकालीन साहित्यके जे ओहिठाम रखबाक जे व्यवस्था छै से सम्पूर्ण रूपसँ हमसब मतलब युगके साथ चलि रहल छी। या युगसँ कखनो कालके लगैत रहैए जे सोशल मीडिया आबि गेलाके बाद हमसब युगोसँ कनि बेसी उर्वर छी मैथिलीमे। लेकिन दिक्कत जहन होइ छै वएह टीम बनाकऽ जे डे टू डे ब्रेकिंग न्यूज या दैनिक न्यूज या साप्ताहिक न्यूज जहन कंटेंट क्रिएशनके काज अबै छै तऽ तखन फेर हैंड्स लगै छै, आ तखन फेर निवेशक जरूरत होइ छै, आ ओ निवेश कनि परिपक्व निवेश आओर धैर्यपूर्ण निवेशक आवश्यकता छै। तऽ मैथिलीमे तखन दशक दू दशक धरि मीडिया, मैथिली मीडिया ठाढ़ रहि सकैत अछि। मिथि मीडियाके जहाँ तक बात छै या मिथिला मिररके जहाँ तक बात छै वीडियोमे, तऽ अहाँ देखबै जे एक आदमी लागल छै, केओ एक आदमी सम्पूर्ण रूपसँ, तऽ ई एक आदमी जे खाली लागल छै ओ एक तरहसँ अपन अपनाके ओहिमे खपा रहल छै, से नहि हेबाक चाही। पैरालेल यदि आओर हैंड्स रहतै, निवेश रहतै, लोक रहतै,
तो वो एक व्यवस्थित हिसाब से मीडिया चलाओल जा सकते थे। सोशल मीडिया पर हम सब पूरा एकदम युग के अनुसार चल रहा थी, सोशल मीडिया के उपयोग बढ़ने हम सब आप देख रहा थी जे पहले शुरुआती दौर में सोशल मीडिया पर गंभीर साहित्य या गंभीर साहित्यकार सब नहीं चला, लेकिन अखनका समय में लगभग सब गोटे सब एक्टिव लोग सोशल मीडिया पर छथि, सोशल मीडिया पर सूचना हम सब आदान प्रदान करे छी, ओतो वेबिनार वगैरह होइए, लाइव वगैरह होइए, और समान रूप से गीत संगीत आप जहन डिजिटल मीडिया आबि गेलै त एकठम आर डिस्कशन में बात एलै जे डिजिटल मीडिया अखबार नहीं है, टेलीविजन नहीं है, दोसर चीज रेडियो नहीं है, तो इहो छिटपुट प्रयास मैथिली में लगातार मधुबनी से एक मधुबनी रेडियो को एक सुन रहा है जो एक मैथिली कार्यक्रम सब करे स्लॉट में एक दू घंटा के डेली। लेकिन जखन हम डिजिटल मीडिया के बात करे तो हमरा सबके ध्यान देवे पड़त डिजिटल मीडिया टेक्स्ट सपोर्ट करे इमेज सपोर्ट करे वीडियो सपोर्ट करे ऑडियो सपोर्ट करे मतलब टीवी रेडियो माने सब मीडिया फॉर्मेट अहाँ के वेब पर में आबिकऽ एक समुद्र जकाँ एहिठाम शामिल भऽ गेल छै। तऽ हमरा लोकनि सब तरहक काज डिजिटल मीडिया में कऽ सकै छी। आब तऽ देख रहल टीवी अहाँ के डिजिटल में आबि रहल छै, तऽ धीरे धीरे जे पारम्परिक मीडिया जे बाद में आयल मीडिया जे सेहो पारम्परिक हेज में शामिल भऽ गेल छलै टीवी रेडियो, तऽ सेहो आप देखै छी जे इंटरनेट माध्यम सँ ओ सबटा प्रसारण होइ छै। तऽ इंटरनेट पर हमरा सब सबल छी मैथिली में, एहन विषय नहि छै, हमरा लग पूरा स्कोप है, हम सब कऽ सकै छी काज। लेकिन वएह फेर कहलहुँ जे वएह धैर्यपूर्वक, कियाकि इंटरनेट भले ही सस्ता छै, कंटेंट जेनरेट केनाइ टाइम कंज्यूमिंग छै, ओहिठाम रिसोर्स लगै छै, नीक कंटेंट नीक लोक के शामिल करबै अहाँ अपना साथे, नीक रिसोर्स रखबै तऽ नीक कंटेंट और महत्वपूर्ण कंटेंट ओहिठाम जेनरेट हेतै, तऽ ताहूमे निवेश के जरूरी छै। आब एहिठाम हम अपन आलेख के अंतिम पारा में छी जे सोशल मीडिया में एकटा विसंगति जे छै से तऽ बिना कोनो संपादकीय व्यवधान के रचनाकार सोझे पाठक देर साहित्य पहुँचा रहल छथि। एहि माध्यम के अपन विसंगति सेहो छथि, मुदा समकालीन साहित्यिक अभिव्यक्ति लेल एकटा उपयोगी मंचक रूप में सोझा अछि। तथापि गंभीर साहित्यिक क्रियाकलापक लेल इंटरनेट पत्रिका कारगर अछि। व्यक्तिगत आ संस्थागत प्रयास सँ मैथिली मीडिया अपन कर्तव्यक निर्वाह करैत अपश्यांत देखाइत अछि। ओना जेना सोशल मीडिया पर साहित्यिक लोकनि उपस्थित छथि, मैथिली मीडिया केर एकांश लेल ओ स्वयं सेहो काज करैत सोझे पाठक सँ जुड़ि रहल छथि। आब सभक हाथ में एकटा मीडिया विंडो छै, जाहि सँ समकालीन अभिव्यक्ति के चुटकी भरि में पाठक श्रोता दर्शक भेट जाइ छै। वेब पर अब लगभग सब विधा के सामग्री मैथिली भाषा में उपलब्ध छै। डिजिटल मीडिया के समय में समकालीन साहित्यक अपेक्षा पर मैथिली मीडिया सुदृढ़ होयबा दिस अग्रसर। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रूपेश चौधरी। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस आलेख सत्र की अध्यक्ष विभा रानी जी से कि आप अपनी अध्यक्षीय भाषण से इस सत्र को हम समाप्त करें। धन्यवाद सुरेश बाबू जी, और एक बार फिर से सभी साहित्य अकादमी अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, सुरेश बाबू जी आप, और अशोक अविचल जी, सभी के प्रति अपना आभार। और आज के इस सत्र में तीनों वक्ताओं ने बहुत ही तीनों वक्ता जो हमारे छला, विनीत उत्पल, सच्चिदानंद सच्चू, रुपेश तयोत, तीनों अपन अपन आलेख पढ़ लें। तीनों के आलेख में जो हम यदि हम कहे तो जे विनीत उत्पल कहलें, तीनों अपन अपन स्थान से और अपन अपन स्वर में अपन अपन गप कहलें। हम प्रमुख जे हमरा लागल से हम ऐठा हम कह के चाहब, विनीत उत्पल अपन आलेख में कहलें जे मीडिया आ समाज, मीडिया में जतेक तरह के मीडिया छै, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तकर बाद टीवी रेडियो इंटरनेट आदि सब जे छै से एकरा में समाहित छै, सत्ता से संघर्ष के आवाज जे छै से मीडिया दै छै, और जकरा कहल जाय छै, जे हम सब कहै छियै जे जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, तो या तोप मुकाबिल के समय में अखबार जहां निकले छै तो ओ मीडिया के काज, मीडिया के अपन भूमिका ओकरा में अबै छै। आ साहित्य
के लिए लोग कहलन जे सदा से कहल कहबी छे जे साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य साहित्य छे त समाज छे, समाज छे त साहित्य छे। त साहित्य आ समाज दुनू एक दूसरा के पूरक छे, अन्योन्याश्रित संबंध छे दुनू में। ओ कहलन जे आई के परिवेश में मीडिया से साहित्य किछ नगण्य सन भ गेल छे। ई एकटा विषय छै जकरा पर ध्यान देबाक आवश्यकता छै कि मीडिया में साहित्य कतय छै। साहित्योन्मुखी मीडिया तऽ छै, हम सबटा एखन जतेक वक्ता सब कहलनि ओ कहलनि जे सबटा पत्र पत्रिका के नाम गना गेलखिन आ ओहिमे यदि हम देखै छी तऽ मुख्य रूप से हमरा लग साहित्य निकलि कऽ आबि रहल अछि। ओहि साहित्य मे साहित्य जे छै जकरा जे अब मीडिया आ साहित्य के बीच में की हमरा जनतब की फराक छे से हम बाद में कहब। मुदा विनीत उत्पली कहलनि कि दुनू एक दूसरा के पूरक छे, दुनू में हम अपना दिस से कहै छी कि दुनू में कार छे, एकटा पत्रकार छे आ दोसर साहित्यकार छे। तो दुनू कार यदि संग संग चले तो मैथिली साहित्य आ मैथिली के रूप में और जे छे से नित नवीन परिवर्तन हेतै। सच्चिदानंद सच्चू अपन आलेख में मुदा कने हम फिर से कहब जे हुनकर ऑडियो बहुत ऑडिबल नहीं छले से हम बहुत नीक जका हुनका हम नहीं सुन सकलों। मुदा जतेक हम सुन सकलों ओकरा में हमरा जे लागल जे हुनक मंतव्य छल जे पत्रकार के काज जे छे से सूचना देबाक काज छे। मुदा ओ एहो कहलनि जे सूचना देबाक काज तो छै है, मुदा सूचना कतेक सजग तरीका से दी तकर आवश्यकता छै। जकरा तरह दिस इशारा शुरू में आरंभिक सत्र में अशोक जी कहलनि जे हम कतेक क्रूर तरीका से हम मीडिया संग में आ मीडिया के माध्यम से न्यूज हम द रहल छी, समाचार हम परोस रहल छी कि ओकरा हम कतेक संवेदनात्मक तरीका से हम परोस रहल छी। ई बहुत महत्व राखे छै किएक तऽ एक मीडिया, एक बहुत क्रूर मीडिया जे छै बहुत विभत्स तरीका से ओ हमरा सबके भीतर एकटा विचलन पैदा करै छै। विचलन पैदा कऽ के आ तकरा बाद जे छै से हमरा सबके प्रति एक हमरा सबके सबके प्रति अथवा दुनिया के प्रति व्यवस्था के प्रति एक क्षोभ प्रकट करै छै। जा धरि के जहन हम ओकरा एकटा संवेदनात्मक तरीका से जहन हम प्रस्तुत करै छियै तऽ हम ओहि संवेदना के संगे बहै छी। अखन हमरा भीतर अपनो एकटा होइए जे हम कोना एहि स्थिति में, एहि परिस्थिति में हम कोना कऽ सहयोगी बनि सकै छी, हम कोना कऽ कॉन्ट्रीब्यूट कऽ सकै छी। सच्चिदानंद इहो कहलनि जे मैथिली में पत्रकारिता जे छै से साहित्य ओरिएंटेड छै आ ई मानव में हमहूँ जे छै हमरा बुझाइए जे ककरो एकरा मानव में हानि नहि छै, दुराय नहि छै जे एखन धरि हमर मीडिया जे छै से मुख्य रूप से साहित्य उन्मुखी छै। रूपेश तो बहुत अपन विस्तार से अपन गप कयलनि आ मीडिया के आ साहित्य के अलग अलग रूप में अपन अपन बात रखलनि। ओहो या कहलनि पहिने कि साहित्य आ मीडिया में अन्योन्याश्रित संबंध छै। समकालीन साहित्यिक अपेक्षा कसौटी पर मैथिली मीडिया जे छै से अखन बहुत काज कऽ रहल छै। आ मीडिया एहन प्लेटफॉर्म छै जतय साहित्य अपन अभिव्यक्ति दैत छै। आ तकरा बाद जे छै से ओ बहुत रास ई समाज विदेश सँ लऽ के डिजिटल मीडिया तक अयलनि आ डिजिटल मीडिया के अलग अलग स्वरूप पर अपन बात रखलनि। आ जे सबसे बहुत प्रमुख जे बेर बेर बीच बीच में ओ कहैत रहलनि निवेश के। ई तीनों वक्ता के गप सुनैत आ प्रारंभिक सत्र में, उद्घाटन सत्र में जे अशोक जी के, अजीत जी के, उदय जी के सबके सुनैत हमरा जे अपना मन में आयल, हमरा ओ लागे ई लागैए जे मीडिया आ साहित्य ई दूटा दू अलग अलग विधा छै आ दूटा अलग अलग विधा के दूटा रूप में ओकरा राखब बहुत आवश्यक छै। ओकरे दुनू के एक दूसरा में समाहित केनाय, एक स्तर पर एक क्षेत्र में भ सकै छै, नीक भ सकै छै, आवश्यक भ सकै छै, मुदा मात्र ओकरा साहित्य से संयोजित कऽ देनाय मीडिया के, मीडिया के प्रति हमर जे सोच छै, मीडिया के प्रति जे हमर दायित्व अथवा मीडिया के अपन जे दायित्व छै ओ ओकरा कने काम करै छै।
यदि आप देखियो जे हम एखनो धरि अपन अतीत के हम लऽ कऽ चलै छी, हमरा अखन अतीत तऽ हमरा संग रहबे करत, कहियो हमरा सँ अतीत हमरा संगे, हमरा सँ विद्यापति कहियो भिन्न नहि भऽ सकै छथि, हमरा सँ स्नेहलता कहियो भिन्न नहि भऽ सकै छथि, हरिमोहन जी कहियो भिन्न नहि भऽ सकै छथि, मुदा हमरा आब देखऽ के अछि कि आइ के मीडिया में आइ के यूथ आइ के लोग हुनका हम मैथिली दिस कोना आकृष्ट करी, जे हमर मैथिली भाषी छथि हुनका आ जे हमर मैथिली भाषी नहि छथि मैथिलीतर लोग जे छथि हुनका धरि हम कोना मैथिली आ मिथिला के पहुँचाबी, आ ई काज मीडिया कऽ सकै छै, मीडिया के अलग अलग स्वरूप में, जेना मीडिया के एक स्वरूप छै फिल्म सिनेमा, मैथिली सिनेमा जहन जे छै मैथिली सिनेमा एखनो जे छै जहन दोसर भाषा के हमर पड़ोसी भाषा के लियो भोजपुरी में, भोजपुरी के मैथिली सिनेमा के इतिहास यदि हम देखी आ एखनो एखन तक खैर ओते नहि छै मुदा जे आरंभ भेलै आ ओहि हिसाब से मैं भोजपुरी के अपन स्वरूप गढ़लै, ओ एकटा विश्वविख्यात भाषा के रूप में भऽ गेलै जहन की एखन धरि ओ अधिक शेड्यूल में नहि छै, संविधान के अगर अष्टम अनुसूची में नहीं छे, हमर भाषा मैथिली तो हमर अष्टम अनुसूची में आए, तो आब हमरा बहुत चांसगर भौ के आ बहुत सोच समझ के प्लानिंग तरीका से जकरा कहे कि हमरा करो के ओकरा में आवश्यकता छे, हम सब किछ स्वरूप में फिल्म में संगीत में गीत में नाटक में आ जे हमर मिथिला के हमर धरोहर अछि, जा तो चाहे वो दहकन हुए कि राजा सलहेश के गीत हुए कि पमरिया गीत हुए कि ई सब हुए, ई सब जे छै से हमर मीडिया के स्वरूप में अलग अलग रूप में हम हुनका लऽ के अबै छी, जेना हम फोटोग्राफी जे छै अथवा पेंटिंग छै, जे हमर मधुबनी पेंटिंग छै, हमर मधुबनी पेंटिंग से हमर मीडिया के एक एहन स्वरूप लऽ के विश्वविख्यात भेलै, तो तहिना कला के और दोसर स्वरूप जे छै कि चाहे सुजनी हुए कि चाहे वो एप्लिक वर्क हुए कि चाहे वो और दोसर काज हुए, ओ सब कोना के लऽ के हम मीडिया के माध्यम से लोग तक पहुँचाबी जाहिसँ लोग बुझे जे मैथिली इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेजेस, मैथिली एकटा एहन भाषा छै जकर एतेक पुरान इतिहास छै, मैथिली एहन भाषा छै, मिथिला एहन स्थान छै जकर अपन ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक और माइथोलॉजिकल महत्व के स्थान छै, तऽ एहि स्वरूप में हमरा एकरा लऽ के आवय पड़तै, नाटक के माध्यम से मैथिली के ठामे ठाम, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हुए अथवा स्टेज माध्यम से हुए अथवा जेना हम सब एखन काज करै छी रूम थिएटर के माध्यम से अथवा डिजिटल थिएटर के माध्यम से हम काज कर रहल छी, तो ओहि हिसाब से मैथिली नाटक के घर घर पहुँचाब के आवश्यकता छै। जेना देखियो कि साहित्य हमरा ई लागै है जे साहित्य एक समय में वो अपने आप में मीडिया के स्वरूप छै, यदि अहाँ मौन पारी तो हमरा लगे कि जेना देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता संतति पढ़ ले लोग हिंदी सीख लें, हरिमोहन बाबू के कन्यादान पढ़ा लेल लोग मैथिली सीख लें, ई एकटा मीडिया के स्वरूप गढ़ले कि लोग एकठा इकट्ठा होय छलन एकत्र हरिमोहन बाबू के कन्यादान पढ़े छला सुनै छला, जिनका नहियो बुझल छलै पढ़ा आबै छलै ओहो सुनै छला, तो एहि रूप में भाषा अथवा जे विद्यापति कह गेला कि देसिल बैना सब दिन मिठा तै तैसो जम्पाओ अभट्ठा, तो देसिल बैना के आब हमरा सबके जे छै से लोकल टू इंटरनेशनल टू नेशनल और नेशनल टू इंटरनेशनल ई हमरा पहुँचाब के आ ई काज मीडिया के माध्यम से भ सकै छै, देखियो साहित्य अपन काज कर रहल छै मैथिली के साहित्य के समृद्धि और ओकर समृद्ध स्वरूप पर ककरो कोनो दू राय भइए नहीं सके छे। एखनो मैथिली में साहित्य बहुत रचल जा रहा छे। मुदा अकर बात हम बेर बेर हम इक्कीटा हम सब प्रश्न करी छी कि एखनो अष्टम अधिसूची में सम्मिलित भेलाक बादो मैथिली के एहन स्थिति किएक ने बनले है कि लेखक सब प्रकाशन संस्थान एहन हुए जतः नीक साहित्यकार सब के साहित्य ओहिठाम प्रकाशित हुए, लेखक के ई नहि सोचै के पड़े कि हमरा किताब प्रकाशक प्रकाशित सेहो कराबऽ के ओकरा में पाई सेहो लगाबऽ के तकरा बाद ओकरा बेचऽ के प्रयास सेहो करऽ के प्रचार के प्रयास सेहो करऽ के सब काज करऽ के, तो ई स्थिति पर
मीडिया बराबर काज कर सके छे। मीडिया के माध्यम से मैथिली के नीक साहित्य के, चाहे वो कन्यादान हुआ कि अथवा विद्यापति के पदावली हुआ कि राजकमल चौधरी के साहित्य हुए कि उषा किरण खान के साहित्य हुए कि लिली रे के साहित्य हुए, वो पुनः हम मीडिया के माध्यम से आगा ल जा सके छे। एकरा पर गप केनाय हमरा बुझाय के आवश्यक छे। आ मीडिया के तकरा बाद कनिक साहित्य से अलग केनाय आवश्यक से हो छे, जाहि से हम कंटेंट से जुड़ी। आय हमें मिथिला में की भ रहल छे, जेना आइए के समय छे, पूरा कोरोना पेंडेमिक समय में पूरा बिहार में अथवा पूरा मिथिला में की भ रहल छे, एकरा देख लेल हमरा दोसर दोसर चैनल पर निर्भर करय पड़े। तो यदि हमर अपन एकटा एहन विश्वस्त चैनल हुए, एहन जे हमरा आश्वस्त करत कि नहीं अई चैनल पर जाके, जेना हम सब जाए छी कि दू चारि टा चैनल छे ओकरा पर जहन हम जाए छी कि नहीं एहिठाम से जे छै से हमरा कम से कम सही सही हमरा समाचार भेटे, तो ई समाचार ई चैनल भेनाई बहुत आवश्यक छे। आ ओकरा लेल आवश्यक छे कि हम उना के अपन अपन कंटेंट के मेन स्ट्रीम बनाबी, मीडिया के मेन स्ट्रीम में एनाय, मैथिली मीडिया के मेन स्ट्रीम में एनाय बहुत आवश्यक छे। लोग कहे कि ये हिंदी मीडिया छे छे, ये अंग्रेजी मीडिया छे, ये मैथिली मीडिया छे, ये पूरा बिहार में यदि हम बिहार में देखियो तो बिहार में दुए टा भाषा छे, आ संविधान स्वीकृत तो दुए टा भाषा छे, हिंदी छे या तकरा बाद जे छे से मैथिली छे। तो मैथिली तो हमर एरिया तो बहुत विशाल भ जाय छे, खाली मिथिले टा नहीं छे, मिथिला से बाहर निकल के हमर एरिया पूरा बिहार आ तकरा बाद बिहार से निकल के पूरा देश, हमर पड़ोसी राज्य नेपाल में मैथिली हमर द्वितीय भाषा है, तो ओइठा आ तकरा बाद ओकरा से निकल के हम दोसर दोसर राज्य में आ सबठा हम पुनः के मैथिली मीडिया के आरोपित करी, निरोपित करी आ मैथिली के एंट्री, मैथिली के प्रविष्टि ओकरा में बढ़ावी, ओकरा लेल हमरा लेल ई सब बहुत आवश्यक छे। आ एकरा लेल आवश्यक सबसे पहिने जे छे से देखियो, हम एकटा पक्ष के गप हम करै छी, हम पत्रकार के गप करै छी, हम साहित्यकार के गप करै छी, हम उमर के गप करै छी। तो पत्रकार आ साहित्यकार जे कहै छथि, जे लिखै छथि, ओकरा धारण करय वाला जे हमर सब लोग छथि, हमर पाठक छथि, हमर दर्शक छथि, ओ सब कतेक छथि, हो सब की सर एखनो स्थिति ई भ रहल छे कि जहने ओ सब हिंदी मतलब कने अपन शैक्षणिक स्वरूप में आगा बढ़लन, कि सबसे पहले ओ अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन रीति रिवाज, अपन सब किछ छोड़े छे। आ ई कोनो कोनो एहन ई वाला गप नै छे कि ओकरा में हम कहिए कि नहीं नहीं एना नहीं भ रहल छे, सब के घर घर देखा एक लेखा जका स्थिति छे। तो हमरा ओइठा ओहि हिसाब से पहुंचे पड़ते, मीडिया के पहुंचे पड़ते, साहित्यकार के पहुंचे पड़ते कि भाई हम सब यदि अहाँ छी, हम यदि हम नाटक कर रहल छी, तो जाधरि अहाँ नहीं देखबे तो हमर नाटक करे के कोनो महत्व नहीं छे, जाधरि अहाँ नहीं पढ़बे हमर लेखन के कोनो महत्व नहीं छे, जाधरि अहाँ नहीं देखबे हमर हमर चैनल के कोनो महत्व नहीं छे। तो हमरा एक ओ जागरूकता सेहो अपन मीडिया के माध्यम से हमरा उप करे पड़ते। तकर बाद जे छै जे सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग मीडिया के रूप में आय हमरा सबके सामने छै। सोशल मीडिया से ते देखियो कि राज्य सबके लोग सबके सत्ता बदल जाय छै, लोग एहन आंदोलन चलबै छै कि सत्ता बदल जाय छै। यार आइयो देखियो जे महामारी पसरल छै, जे महामारी के जे स्वरूप छै, ओहि महामारी में आइ जे लोग सब काज कर रहल छै, ग्रुप बना के काज कर रहल छै, एक दूसरा के मेडिकल सहायता पहुंचा रहल छै, ओ सब सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा रहल छै, काज कर रहल छै। तो सोशल मीडिया के जे ताकत छै हमरा सबके मैथिली में ई अखन भ रहल छै काज। मुदा जेना अशोक जी कहलखिन कि गिलास आधा भरल छै, हम अशोक जी के बात से बहुत सहमत छी कि गिलास आधा भरल छै, हम ओकरा में कनेक और देखबे जोड़ के चाहबे कि आधा ग्लास हमरा जतेक आश्वस्ति प्रदान करैए, तकरा बाद के आधा ग्लास जे खाली छे ओहि आधा भरे ग्लास से हम उत्प्रेरित होइ आ कही जे ई आधा ग्लास किया खाली छे, ओकरा भरबाक प्रयास हम कोना कोना के करी। तो एकरा लेल हमर प्रिंट मीडिया छे,
हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छे, हमारे सोशल मीडिया छे, हमारे डिजिटल मीडिया छे, ई चारों मीडिया के सोझा में लगे संग संग लगे आ फराक अब नहीं करवा छे। अब स्थिति नहीं छे हमरा बुझा में कि भाई लेखक छे, पत्रकार छे, डॉक्टर छे, साइंटिस्ट छे, इंजीनियर छे। आप तो देखियो जे पहिने जे अशोक जी सेहो कहलखिन, उदय जी, अजीत जी सेहो कहलखिन कि संस्कृत ओरिएंटेड हमर मैथिली छ। आब के यूथ जे छथि ओ संस्कृत ओरिएंटेड नहीं छे, तो इंग्लिश ओरिएंटेड छे। तो आई के यूथ सब के हुनकर इंग्लिश के नॉलेज अथवा इंग्लिश के माध्यम से ओ जे फील्ड के पढ़ाई करे छे, जे अपन वोकेशनल ट्रेनिंग ले छे, स्टडी करे छे, हुनका सबसे ओई माध्यम से उना को ओइठा से साहित्य, ओइठा से लिटरेचर हुनक अनुभव उना का आवे। जेना हिंदी में सब आबि रहल छे, इंजीनियर सब लिख रहा है, डॉक्टर सब लिख रहा है और उनकर अपन एक अनुभव छे, तो ओ हिसाब से लिटरेचर हमरा मीडिया में आवे, मैथिली में आवे, तो हमरा लागे छे जे मीडिया के एक अरे स्वरूप आगा बढ़ते। मीडिया पर साहित्य कतेक लिखल गेल छे, जेना हम कहे छे जे प्रियदर्शन एक बहुत नीक उपन्यास 2611 पर लिखने छला जिंदगी लाइव, तो ओहि हिसाब से मैथिली में ओहन तरह के साहित्य कतेक हम सब लिख रहल छी, कतेक हम सब देख रहल छी। साहित्य के अलग अलग स्वरूप मिथिला छै, मुदा मिथिला से बाहर निकल कर हम कतेक काज कर रहल छी, अपन मीडिया के कतेक हम स्ट्रॉन्ग कर रहल छी, मीडिया अपन मीडियम के संगे, चाहे हमर मीडियम नाटक हुए कि गायन हुए कि लेखन हुए कि पेंटिंग हुए कि चाहे फिलोसॉफिकल एड्रेसिंग हुए, दर्शन हुए, जे हुए, ओहि सब के हम मीडिया से कोना जोड़ी, किया तो बिना मीडिया के संभव नहीं छे कि हम अपन चीज का आगा बढ़ा सके। आ संगे संगे हमरा अपन जगत के आय के समय छे, मार्केटिंग के समय छे, प्रचार के समय छे, तो हमरा बताबे पड़ते तरह तरह के मीडिया के माध्यम से कि देखियो हम ई कर रहल छी, देखियो हम ढक्कन गाबि रहल छी, देखियो रानी झा ई गाबि रहल छै, तो देखियो फलाना जे छै से मीनाक्षी झा बनर्जी एहि हिसाब से जे छै से अपन पेंटिंग कऽ रहल छै, संजू दास एहि हिसाब से कऽ रहल छै। तो ई समस्त मीडिया के स्वरूप छै जे मैथिली के आ मिथिला के, हमरा खाली मैथिली नहीं देखा के, हमरा लागैया जे हमरा मिथिला इन टोटो, संपूर्ण मिथिला के हमरा देखा के, आ संगे संगे मिथिला के खाली ई नहीं देखा के हमरा बुझाइए कि हम खाली मैथिली में की कह रहल छी, हम मैथिली आ मिथिला लेल अथवा हम अथवा आन लोग मैथिली आ मिथिला लेल संगे संगे और की कह रहल छै, खाली हम मैथिली में लिख रहल छी अथवा मैथिली साहित्य के हम आन आन भाषा में लऽ कऽ आबि रहल छी, यदि हम लऽ कऽ आबि रहल छी तो एक बहुत महत्वपूर्ण काज छै। हम खाली मैथिली में लिख रहल छी कि अथवा मैथिली में हम गाबि कऽ, अथवा मैथिली में हम नाटक कऽ के, अथवा मैथिली में हम फिल्म कऽ के, अथवा हम पेंटिंग कऽ के हम ओकरा और आगा बढ़ा रहल छी, ई हमरा देखऽ के आई मीडिया के माध्यमे से ई संभव भऽ सके छै। दोसर एकटा हमरा इहो देखऽ के पड़तै जे एक्सप्रेशन मीडिया की छै, इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, तो ई एक्सप्रेशन जे छै मीडिया काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कतेक रूप में चल रहा है, ई तो स्वरूप भेले, जना आप हम एकरा भाषा के रूप में कही तो भाषा में ई नहीं खाली हेबाक चाहिए कि मैथिली के माने खाली मैथिली, यदि क्यों अंग्रेजी में मैथिली लिटरेचर पर अथवा मिथिला पर लिख रहा है, अथवा सीता पर लिख रहा है, अथवा भारती मिश्र पर लिख रहा है, अथवा मंडन मिश्र पर लिख रहा है, तो सेहो मिथिला के स्वरूप के गढ़ रहा है, आ ओ जे छै ओकर चर्चा मीडिया के में, जे मीडिया हमरा लग अवेलेबल है, चाहे वो वेब में हुए अथवा जना रूपेश अथवा सच्चिदानंद जे सब अपन अपन वेब पोर्टल सब चला रहल छै, ओही में ओकरा जे छै से ओकर स्थान भेटर के चाहिए। और बाइलिंगुअलाइजेशन अथवा ट्राइलिंगुअलाइजेशन ई सब जे छै कि यदि हम अथवा क्यों हिंदी में लिख रहल छी, अंग्रेजी में लिख रहल छी, अथवा मराठी में लिख रहल छी, बांग्ला में लिख रहल छी, इस सब के लिख रहल छी कि हम मिथिला के लऽ कऽ ओकरा आगा बढ़ रहल छी, आ बढ़वा के संगे संगे हम ओकरा समृद्ध कर रहल छी,
ई देखे के हमरा लेल बहुत आवश्यक छे। जेना हम जेना बम्बई में रहे छी, मुंबई में, तो हम एठा देखे छी कि लोग मराठी लेल महाराष्ट्र के पूरा संस्कृति लेल जते को साकांक्ष रहे छे, ओ साकांक्ष जे छे जे अशोक जी कहलें जे अखन हम सब कने हमर सब के जे एक्टिव मीडिया छे, जे नेशनल मीडिया छे, ओकरा में हम सब पाछा छी, तो पाछा छी ठीक छे, पाछा छी, लेकिन हमरा हम वह कहब जे आधा ग्लास हमर भरल छे, आधा ग्लास रुपेश आई सब सब काज करके भरने छे। आप जे छे से अशोक जी जहन जते महत्वपूर्ण पद पर छथि, पोजीशन पर छथि, साहित्य अकादमी तो तहिया से मैथिली के पोषित कर रहल छे, प्रश्रय द रहल छे, जहिया से अधिसूचित शेड्यूल में नहीं चले, अष्टम अनुसूची में नहीं चले, तहिया से साहित्य अकादमी मैथिली पर पुरस्कार द रहल छे, सम्मान द रहल छे। तो मैथिली के लेल साहित्य अकादमी सेहो और बहुत रास काज कर सके छे, मुदा जेकरा में छे कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस। एंड जना रुपेश जे बहुत महत्वपूर्ण बहुत बेर कहलें कि निवेश, कि निवेश जे छै से ई सब एकटा बहुत पैघ काज छै, आई असगरे अकेला व्यक्ति जे छै से ओकरा संगे नै भ सकै छै, अकेला व्यक्ति करते त या सब स्थिति में रहते चीज जाय स्थिति में आई छै, एकरा एकटा संगठन के आवश्यकता छै। ई संगठन के स्वरूप के निर्माण में अशोक जी सहायक भ सकै छै, अजीत आजाद जी सहायक भ सकै छै, रूपेश एहन एहन जे हमर आई के यूथ छै ओ सब पूरा साहित्य अकादमी सहायक भ सकै छै। अहि हिसाब से तहन मीडिया आ साहित्य दुनू एक दूसरा के हम मिला के एक हम मान सके छी, मुदा तखने जेना हमर दूटा हाथ एकटा जुड़ के प्रणाम कर रहल छै, मुदा दुनू हाथ अपन अपन फराक स्थिति में छै कि ई हाथ छै तऽ ई साहित्य छै, आ ई मीडिया छै, ई पत्रकारिता छै तऽ ई लेखन छै, आ दुनू मिलकर तहने जे छै हम मैथिली आ मिथिला के विकास लेल हम सोचि सकै छी, हम आगा बढ़ सके छी। एतबे हम अखन हम कहा चाहब, और हम फिर एक बार बहुत बहुत आभारी छी अशोक अविचल जी के जे हमरा सिम्पोजियम लेल हमरा अवसर देलें, साहित्य अकादमी के बहुत आभारी छी, और सुरेश बाबू जी के बहुत आभारी भेलहुँ, पूरा जे साहित्य अकादमी के टीम हम कहबनि, अध्यक्ष जी या सचिव जी या समस्त लोग जे हिनकर कार्यकर्ता सब छथि, जे स्टाफ टीम छथि, सबके प्रति हम अपन बहुत आभार व्यक्त करै छी। एक विश्वास दियाबै छै, देखियौ हम बहुत पॉजिटिव छी, हम ओवर पॉजिटिव छी, हम राजभाषा के काज करै छलहुँ, राजभाषा के व्यक्ति के हम मजाक में हम कहै छलियै जे अगर कोई सबसे द मोस्ट पॉजिटिव व्यक्ति अगर कोई हो सकता है तो वो हिंदी ऑफिसर हो सकता है, क्योंकि वो हर दिन जो है हर दिन नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली स्थिति में ही वो रहता है, तो हम सब वह स्थिति में रहे चलो है, तो हमर सबके पॉजिटिविटी के लेवल बहुत शुरू से हाई है, तो हम एखनो अशोक जी के जहन हम अखन एलन हुनकर काज हम देख रहल छी, तो हमरा बहुत आश्वस्ति भेट रहल है जे व्यक्ति उचित, जखन हम कहलियै राइट पर्सन एट राइट प्लेस, तो उचित व्यक्ति उचित स्थान पर रहते हैं तो काज में निश्चित रूप से एकटा गति एते, और गति मात्र गति नहीं रहते, एकटा संगठित गति रहते, आ एकटा कंस्ट्रक्टिव और एकटा वेल प्लान्ड गति में वो चीज हेते। हमरा बहुत उम्मीद है, आपको उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है जे मैथिली के स्वरूप निर्धारण में हुए, चाहे जे वर्णमाला और व्याकरण के स्वरूप के निर्धारण के गप हुए, अथवा मैथिली के विभिन्न साहित्य लेखन के गप हुए, अथवा मीडिया के विभिन्न स्वरूप के गठन निर्माण और निर्वहन के गप हुए, ऐ सब में साहित्य अकादमी सेहो अपन सफल भूमिका निभा रहल छै, निभेबे करता, आ अशोक जी से संगठन के स्वरूप में आ निजी स्वरूप में सेहो हमरा उनका प्रति अतीव विश्वास है जे किछ न किछ एकर स्वरूप के आगा बढ़ावा में बहुत कंस्ट्रक्टिव योगदान देता। तीनों वक्ता के हम बहुत बहुत धन्यवाद आ आभार उनका प्रति व्यक्त करै छी, रूपेश सच्चिदानंद और विनीत उत्पल के प्रति जे बहुत नीक जका अपन अपन मंतव्य रखलें, और गणेश सुरेश बाबू जी के फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे जे हमरा सबका जे छै से इन्फॉर्मेशन एकदम वेल इन टाइम हमरा दे गेला, और एक बार फिर से अहाँ सबके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विभा रानी जी। जैसे आप कह रहे थे ना अशोक झा जी
ये इसका अविचल है, वो स्थितप्रज्ञ प्रज्ञ है, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी के लिए उसको पता है। और लेकिन आपने इतना विस्तार से अपनी अध्यक्षीय भाषण में सब कुछ समझा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि संयोजक महोदय की समापन शब्दों से इस प्रसंवाद को हम खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। यानी इस इन समापन शब्दों से आगे क्या करना है और हमारा क्या इस संबंध में जिम्मेदार है, सभी हम लोगों को पता हो जाएगी। इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आदरणीय अशोक अविचल जी को कि आप अपनी समापन शब्द प्रस्तुत करें। धन्यवाद सुरेश बाबू, हमारा संतोष है जाहि उद्देश्यक संग एक विषय पर परिसंवाद राखल गेल छल, प्रायः सब जे प्रतिभागी छथि, चाहे अध्यक्षक रूप में चाहे बीज भाषण के लेल जहाँ लेख पाठ जे सब कलेने अछि, ओ सब नीक मेहनत कलेने अछि। आ जे चाहे छलिए एकटा परिचर्चा कऽ कऽ एकटा संपूर्ण जे परिदृश्य छै जे समक्ष अबै से एलैक अछि। आ एहि प्रकारक मंचक एहि प्रकारक परिसंवादक उद्देश्य होइ छै जे बहुत गोटे के माथमे जे एहिसँ जुड़ल लोक सब छै तिनका माथमे जे किछु घुरिया रहल छै ओ एक संगे अबै, एक संगे मिलकर ओ पाठक लग जाए, तो एकटा तो साहित्य समृद्ध होइ छै, विषय के जे छै से विस्तार सेहो प्राप्त होइ छै। सब गोटे अपन अपन बात कहलखिन, हम एहि सत्रक अध्यक्षक एहि पंक्ति के उल्लेख करऽ चाहब जो ठीक कहलखिन, मिथिला आवश्यक मुदा हमसब मैथिली साहित्य, चूंकि साहित्य विषय साहित्यक छै तो मैथिली में मिथिला तकबाक प्रयास आ मैथिली के माध्यम से मिथिला के लेल की आर दऽ सकै छिए तकर प्रयास साहित्य की एकटा भावभूमि छै, चूंकि लिटरेचर साहित्यक गप कऽ रहल छै तो साहित्य में आन ठाम की सब छै जे मिथिला के लेल उपयोगी छै, ओ साहित्य के माध्यम से मिथिला में आबै, जे ज्ञान विज्ञानक चर्च भेलै, आधुनिक सभ्यता के चर्च भेलै ओ आबै, आ मिथिला तो मैथिली में एबे करै, तो मिथिला के हम मैथिली के माध्यम से देखी आ मैथिली के माध्यम से मिथिला के लेल जे आवश्यक छै ओ पूरा दुनिया से संगोर कऽ कऽ ओतय प्रस्तुत करी। संगे जतेक प्रकारक देखलो त्योत जी या सचू जी सबके बजला बड बेसी आजुक जे आवश्यकता छै, जे मीडिया के बहुत रास समय बदललै ओहि संगे परिदृश्य बदल रहल छै, आ बदलै परिदृश्यक जे माध्यम छै ओहो बदल रहल छै। आई यूट्यूब छै या ब्लॉग छै या बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म जे नव नव आबि रहल छै कि छुट्टियो रहल छै, भऽ सकैए व्हाट्सएप माध्यम छै जे थोड़े दिन में बंद भऽ जाए, नया कोनो माध्यम अबै, बहुत ज्यादा भारत में उपयोगी नहि रहि जाए या भारतक लेल उपयोगी नहि रहि जाए, नव प्लेटफॉर्म अबै, एहिसँ आगा किछु आओर हेतै। तऽ नव नव जे किछु माध्यम मीडिया के होइ छै, मीडिया मतलब सम्प्रेषण जे कोनो नव माध्यम विकसित होइ छै ओकर उपयोग कोना हम कऽ सकी, आ ओहिमे जे आगू होइत अछि वह साहित्य आगा बढ़ते, वह समाज आगा बढ़ते। हमारा संतोष है, बड़ा निक से सब अपन अपन काज कलन। आब एक आग्रह है, वो आग्रह है कि सब गोटे विस्तृत आलेख हमरा लिख के पठब, हमर पता सबके छन विस्तृत आलेख, हम चाहब जे कम से कम 20 पृष्ठक आलेख लिखे जाए, चूंकि 7 आलेख के मात्र में गुंजाइश है तो विस्तृत आलेख लिखा, जना जे अपेक्षा पर करै छलाह पहिने अपेक्षा के फरिया लैत, आखिर साहित्यक अपेक्षा छै कि, जना निबंध लिखै छलिए पहिने, और फिर जना अपेक्षा कसौटी ठाड़ करबै तो स्वाभाविक रूप छै आबि जेतै मापदंड जे की सब भऽ रहल छै आ की सब बाकी छै और की सब करबाक छै। तेना जिनकर जे विषय छलनि सब संजोग सँ जते गोटे एहिमे छथि, केवल सैद्धांतिक लोक नहि छथि, अगवे साहित्यकार नहि छथि, सब गोटे गप कहै छी, जते गोटे छथि अध्यक्षता सँ लऽ कऽ बीज भाषण सँ लऽ कऽ विषय प्रवर्तन सँ लऽ कऽ जते गोटे छथि आ जे आलेख पाठ कलेने छथि सब साहित्यकारो छथि आ पत्रकारो छथि, चाहे साहित्यिक पत्रकारिता सँ जुड़ल रहथि या आन सँ। तो यानी सैद्धांतिक आ व्यावहारिक दुनू पक्षक समवेत ज्ञान रखनिहार सभक ई जुटान छल, जाहिमे निश्चित रूप सँ सुरेशो बाबू जते किछु मैथिली तऽ बुझऽ लगलखिन हँ, जते बुझल बुझै छथिन ओहिमे हुनका
बुझा गेल हेतन जे मैथिली साहित्य आ मैथिली मीडिया आई जे भारतक समूहित भाषा छै, हम ई नहि कहि रहल छी जे अंग्रेजी के समक्ष के हिंदी के समक्ष अखन बंगला आ तमिल के समक्ष जाय मे बड़ समय छै, यात्रा तय करबाक छै, मुदा आधा गिलास भरल आधा गिलास खाली हमसब आशावान छी आ ई परिसंवाद और आशा जगा रहल अछि जे चाहे संशोधित रूप में होय या असंशोधित रूप में होय सोशल मीडिया के माध्यम से मैथिली साहित्य आर आगा बढ़ रहल अछि, ओ जन जन तक पहुंच रहल अछि। जे चर्चा अजीत जी केने छला जे कते पुस्तक छपै छी, विनोद जी के अपन जे अध्यक्षीय छलन तेमो अपन चिंता जाहिर केने छला, तो मीडिया एकटा इहो काज कऽ रहल छै जे साहित्य के जन जन तक पहुंचा रहल छै। कम से कम आब देखै जी सब जे पोथी समीक्षा करै छथि अजीत आजाद जी या वो मिथिला मिरर या और सब पर जो होइत रहै छै पोथी समीक्षा या फलां किताब छपल नहीं छपल, ओहो देख के लोग बुझै छै जे फलां किताब छपले, तो जते किताब छपले ओहिसे फाजिल लोक लगता क्या गुना ज्यादा लोग ई जनै छै जे किताब में की छै नै छै, एकरा और आगा बढ़ेबाक छै। आ संगे संगे एकटा संगे इहो आग्रह जे बेसी से बेसी मैथिली पोथी बिकाय, मैथिली पोथी जे साहित्य अकादमी छपै छै ओ बेसी से बेसी लोक तक कोना पहुंचे ते पर कनी ध्यान दै जेबै। एकटा योजना छै साहित्य अकादमी के जो एक वित्तीय वर्ष में 25,000 तक के मैथिली पोथी खरीदे के किनको योजना होइन तो ओकरा जे छै से 45% तक छूट देल जा सकै छै साहित्य अकादमी द्वारा, ओकर लाभ उठाबी। आ जे कोनो पुस्तकालय छै या जे संपर्क में होथि, निजी पुस्तकालय होय सरकारी पुस्तकालय होय उनका महाविद्यालय में पुस्तकालय होय, इमहर प्रयास करी जे ओतय पहुंचे जैसे आम पाठक धरि ओकर पहुंच सुनिश्चित कयल जाय। आइ जे 200, 300, 500 छै ओ कम से कम 5,000 प्रति छपबाक लेल साहित्य अकादमी सेहो विवश हुए आ प्रकाशक सब जे छथि तिनको सबक चिंता दूर हन। पाठकक निर्माण ई सेहो मीडिया के बड़ पैघ भूमिका छै जे पाठकक निर्माण ओ करै छै, ओ पाठक में जिज्ञासा जगबै छै आ जब बेसी पाठक धरि ओ पहुँचलै तो साहित्य ओतय तक पहुँचतै। हम संतोष व्यक्त करे आग्रह हमर पता सबके अछि, हमरा पता पर एक महीना समय लिया चूंकि पहिने से अहाँ सब लग बेसी समय नहीं छल लिखबा में ओकरा परिष्कृत करबा में संशोधित करबा में, ओ क्या तो छपते ओ सोझे सोशल मीडिया में जते नहीं ओकरा तो कनी अपनो दू बेर पढ़ पड़त, तो पढ़ के लिख के हमरा पठा दिया जो पुस्तकाकार कतेक जल्दी आबि जाए ते दिशा में हम काज आगा बढ़ाए। आप सुरेश बाबू औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक कौचल जी, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए पहले मैं एक बात तो इस माध्यम से दर्शकों सारी दर्शकों को और बाकी लोगों को कहना चाहता हूं कि एक तरफ अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं तो कोरोना हम लोग का ऐसा एक अच्छा सा मौका दिया कि एकांतवास के रूप में आत्मावलोकन करने के लिए एक हम लोग को एक अच्छा सा मौका मिला। जैसे वेदों में कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम हमारे लिए नहीं जीवित नहीं हो रहे, हम हमारा परिवार के लिए, हमारा हमारा समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हम लोग जीवित हो रही है। इसी के लिए जो कुछ पालन करना है इस समय में, जैसे मुखावरण यानी मास्क और जैसे दो गज की दूरी और जो जो सैनिटाइजेशन जो कुछ करना है हम जरूर करेंगे, अपने आप हम सुरक्षित रखेंगे, बाकी लोगों की ख्याल रखेंगे, यानी हमारा पूरा समाज को पूरा देश को हम बचा सकते हैं, यानी हमारा सामाजिक जो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इस अच्छी तरह से निभा सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब यह है कि नहीं कि कि अस्वस्थ की अनुपस्थिति नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य के ये अर्थ है कि हमारा क्योंकि देह में पांच देह यानी भौतिक, मानसिक, सांघिक और आध्यात्मिक और इमोशनल, ये पांच तरह का देह है। अगर इन पांचों को हम समतौल्य रूप में यानी बैलेंस्ड रूप में हम रख सकते हो ताकि हम स्वास्थ्य कह सकता है। इसी के लिए इन शब्दों के साथ आप सभी को और एक बार हमारे साहित्य अकादमी की परमादरणीय सचिव महोदय डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी की ओर से आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे
आदरणीय अशोक कुमार झांचल जी, अजीत आजाद जी बीज भाषण के लिए और उद्घाटन सत्र में अध्यक्षीय भाषण के लिए परमादरणीय उदय चंद्र जा विनोद जी और आलेख सत्र की अध्यक्षता के लिए विभा रानी जी और आलेख प्रस्तुति के लिए विनीत उत्पल जी, सचिदानंद सचू जी और रूपेश तिवारी जी, आप सभी को और एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अंत में ये भी कहना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद। ठीक है।